आज का जो सेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है, बिकॉज ये सेशन बेसिकली एक सीरीज ऑफ सेशन हम लोगों ने इस टॉपिक पे करना है, जो सिंगल नेशनल करिकुलम है और जिसको हम कहते हैं वन नेशन वन करिकुलम का जो स्लोगन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। तो इसमें हम लोगों ने ये सोचा कि सिंस ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, किसी हद तक चीज़ें फाइनलाइज रेशन हो रही है, अंडर द प्रोसेस है, और जो गवर्नमेंट ने रोड मैप दिया है सिंगल करिकुलम का वो तकरीबन थ्री स्टेजेस के ऊपर है, और स्टार्टिंग वो स्टेज वन कंप्लीट होगी 2021 के अंदर, स्टेज टू होगी 2022 में, एंड अल्टीमेटली द स्टेज थ्री इन 2023 के अंदर। और प्राइमरीली जब भी हम सिंगल करिकुलम की बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट विद द स्कूल, इट मीन्स दैट स्कूल लेवल जो और सेकेंडरी स्कूल लेवल के ऊपर सिंगल करिकुलम की बात की जाती है। अगर हम जहाँ तक सिंगल करिकुलम की जो टेक्निकल डायनेमिक्स हैं, तो आई थिंक डॉक्टर जाशर गिलानी साहब और बाकी डॉक्टर सलीम साहब जो ना उस पर ज़्यादा बेहतर तौर पे डेलीब्रेट कर सकेंगे, लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल देखें कि हमारे पास पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, मेरा ख्याल है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास जो 26.5 मिलियन बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल्स हैं, उनको किसी तरह फॉर्मल सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम के अंदर कैसे लाया जाए। अच्छा, ये अब ऑब्लिगेशन है, बल्कि ये मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे, आर्टिकल 25A जो है ना, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एजुकेशन फॉर ऑल, ये उससे कंपैटिबल चीज़ है। तो ये गवर्नमेंट की एक तरह से एक लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि किस किस तरह वो बच्चों को जो है ना अपने मेन एजुकेशन सिस्टम में लेके आए। सेकंड चीज़ जो है ना, जो डिस्पैरिटी है जो ना और डिस्कनेक्ट्स हैं विद इन द कॉन्टेंट ऑफ दैट करिकुलम, वो बहुत ज़्यादा है नेशन वाइज जो है ना, ये एक बहुत बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरी चीज़ जो है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आप एजुकेशन तो दे रहे हैं बट क्वालिटी इज़ बीइंग 18 अमेंडमेंट नो डाउट डेवोल्यूशन प्लान ऑलरेडी जो हमारे कॉन्फ्रेंट अबॉलिश हो गई, एजुकेशन सेक्टर प्रोमिसेस को चला गया, लेकिन जो है ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कोई बैरियर नहीं है। वो जो है ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ना हर प्रोविंस को उसकी कंप्लायंस करनी पड़ेगी और उसके स्टैंडर्ड्स डिफाइंड हैं। तो ये जहाँ तक अगर आप स्टेट लेवल के ऊपर अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे, ख़ासतौर पे जाहिर है मैं स्कूल की बात करूँगा, अगर पंजाब में आई वॉज गोइंग थ्रू सम स्टडी के उस टाइम ये पोजिशन है कि ज़्यादातर स्कूलों की ये कंडीशन है कि या तो एक टीचर पूरे स्कूल के अंदर है या मैक्सिमम टू टीचर्स हैं पूरे स्कूल के अंदर। तो यू कैन थिंक अबाउट इट, और ये वो टीचर है जो कि बाकी काम क्लैरिकल काम भी वही टीचर कर रहे हैं। तो आप जस्ट थिंक अगर 6 क्लासेस हैं और वहाँ पर सिर्फ एक टीचर है, तो आप उसकी जो है ना, और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्लासरूम्स हैं आपके, जो है ना पानी की फैसिलिटीज़ है, आपकी बेंच है, आपकी जो है ना बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वो आमतौर से जो नॉन एग्जिस्टेंट है। सेकंड चीज़ जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है ऑफ एजुकेशन डिलीवरी का, वो रिप्रोडक्शन बेस्ड है। उसके अंदर सबसे क्रिटिकल एज बच्चे की हमेशा प्राइमरी लेवल के ऊपर होती है, और जो है ना, और पूरा आपका जो इमारत बनती है एजुकेशन सिस्टम की, बेशक वो सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, उसका स्ट्रॉन्ग इंटरलिंक है प्राइमरी एजुकेशन से। उनको हम अभी तक क्रिटिकल थिंकिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देर इज़ नथिंग बीइंग टॉट अबाउट इट, और ना वो फैसिलिटेट किया जाता है कि किस तरह अपनी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं जो अल्लाह ताला ने नेचर में दी है, उसको किस तरह क्रिटिकल थिंकिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनकी लर्निंग हो।
इसके अलावा हमें जो एक जो जो बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस सिंगल नेशनल करिकुलम पे कॉन्सेंसस डेवलप हो, और अगर ये कॉन्सेंसस जाहिर है कि इंटर प्रोविंशियल कॉन्सेंसस जो है ना इसके अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ऑब्वियसली थ्रू द फैसिलिटेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। मैं ये देखता हूँ कि एक बच्चा है, हमें देखना ये चाहिए, देखें कोई सी भी एजुकेशन हो, बेशक वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, कि आप एट द एंड ऑफ द डे जब आप प्राइमरी एजुकेशन से निकलें या आप जो है ना सेकेंडरी लेवल पर जाए, सेकेंडरी से निकलें टर्शरी में जाए और टर्शरी से निकलें, तो आप मार्केट में या सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले करें, तो क्या वो बच्चा या बच्ची जिसने उस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू गया, या ऐसा या बच्चा बच्ची जो उस एजुकेशन के सिस्टम के थ्रू नहीं गया, उसमें क्या डिफरेंस है? विच इज़ वेरी क्रिटिकल। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अभी जो जो है ना जो अपने अराउंड देखता हूँ, जो बच्चे एजुकेशन सिस्टम में नहीं जाते वो ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट है। बुनियादी तौर पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तबकाती निज़ाम तालीम के हवाले से हर मजहबी और सियासी जमात जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स के ऊपर, नुकात के ऊपर मुत्तफ़िक़ है कि ये एक इस्तेसाली निज़ाम है। और मुझे याद पड़ता है कि स्टूडेंट लाइफ से हम एक जब कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो उस वक्त से इसके ऊपर हम एक मुसलसल जद्दोजहद करते आ रहे थे कि किसी तरह से पाकिस्तान में जो तबकाती निज़ाम तालीम है उसको हम ख़त्म करके एक ऐसा निज़ाम तालीम जो है वो अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को दें कि जिसमें जो आइन के आर्टिकल 25A के तहत जो है हर बच्चे तक जो है एक मियारी तालीम जो है, उसकी फैसिलिटीज़ जो हैं, उसकी जो चीज़ें भी उनको उसकी ज़रूरत हैं वो उस तक पहुँचे। तो बड़ी ये खुशाइंद बात है कि मौजूदा हुकूमत ने इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि अपने जो मंशूर में इन्होंने शामिल किया था उसको एक अमली शक्ल देने की कोशिश की है और उसके ऊपर मुसलसल उनका काम जारी है। वो अब बुनियादी तौर पर ये है कि देखना यह है कि इसमें जो हमें चैलेंजेस पेश आ रहे हैं, डेफिनेटली एक बड़ा स्टेप है, बड़ा इकदाम है हुकूमत का इस जानब, और इसमें बड़ी चीज़ें मुख्तलिफ जो सेगमेंट हैं सोसाइटी के, जिनमें एक बड़ा सेगमेंट हमारा वो दीनी मदारस भी हैं, उनकी तरफ से भी कुछ रिजर्वेशंस इसमें आ रही हैं कि उनको शायद एतमाद में नहीं लिया जा रहा, या उनकी स्टडी के हवाले से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो बुनियादी तौर पर हमारा ये ख्याल है, ये कहना ये चाहिए कि निसाब तालीम से पहले एक और चीज़ थी, वो निज़ाम तालीम था, कि हम निज़ाम तालीम के ऊपर भी बात की जाती, लेकिन चूंकि ये सीरीज़ एक चल रही है तो हम मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बुनियादी ये जो सिंगल करिकुलम, जो नेशनल सिंगल करिकुलम है, हमसे ये समझते हैं कि कौमी और फिक्री वहादत की तरफ एक बहुत अच्छा इकदाम है, और इस इकदाम के अंदर जो भी आने वाले मसाइल हैं उनको हम इसी तरह से बहस करके और डायलॉग के ज़रिए, मुकालमे के ज़रिए हम उनकी जो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस हवाले से ही ये एक हमारा आगाज़ है इसका, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट भी इसी चीज़ को जारी रखेंगे और इसके ऊपर मुख्तलिफ सेशन करके वो सारे इश्यूज जो एड्रेस किए जाने ज़रूरी हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, और माहरीन से, एक्सपर्ट से जो है वो हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि सोसाइटी में किस तरह से हम अपने आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतर और अच्छा पाकिस्तान दे सकते हैं। नौजवानों की डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मुस्बत सोच है, उनकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात होती है, नज़रिया पाकिस्तान है, इसी तरह से नज़रिया इस्लाम है, इस्लामी तालीमात हैं, इनके ऊपर हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, और इसमें निसाब के साथ हम ये एक कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए कि एक इंसान जो है वो डिग्री लेता है, वो तालीम तो ले लेता है लेकिन तरबियत उसकी जो है वो अभी होना बाकी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको भी हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से निसाब तालीम का हिस्सा बनाया जाए, ताकि तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत का अहतमाम भी हो और वो एक अच्छा पाकिस्तानी और एक अच्छा मुसलमान पाकिस्तानी जो है वो अपने मुआशरे का एक ऐसा फ़र्द हो जिससे ना सिर्फ ये कि सोसाइटी को जो है वो
जो फायदे हैं वो मिलने चाहिए, बल्कि उसकी अपनी भी जो है एक जो हलका है उसमें भी उसके मुस्बत असरात जो हैं वो नजर आना शुरू हों। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एजुकेशन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस रहे उनका हमने एक एनालिसिस हम कर चुके हैं, और उसमें जो जो डोमेन्स मौजूद हैं या प्रोविजन मौजूद हैं उसको आज हम आपके सामने पेश करेंगे। सिंगल नेशनल करिकुलम, इसके क्या इश्यूज हैं, और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कंपल्सरी हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामिक स्टडीज़ के, जो थ्रू आउट क्लास वन से लेके सेकेंड ईयर तक जो है वो मैंडेटरी हैं, और उनके ऊपर हम कुछ काम करना चाहेंगे। नेक्स्ट, सो रिप का जैसे मैंने पहले बताया कि पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार्स हम लोग कर चुके हैं, और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है कि जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स जो होते हैं उसको शो करता है। तो रिप की जो एजुकेशन पॉलिसी की जो डिस्कशन है वो बेसिकली फोकस्ड होगी आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर, कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसकी बेस के ऊपर किस तरह पाकिस्तान के करिकुलम को जो है वो डेवलप किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को, एजुकेशन पॉलिसीज जो फोकस करेंगी पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज को, स्पेशली जो हमने 2005 से 2020 तक पाकिस्तान के करिकुलम के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसकी हम एक मुकम्मल स्टडी करेंगे, और फिर हमारा फोकस होगा 18th अमेंडमेंट के बाद जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली है एजुकेशन को, और रिसेंटली जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिंगल नेशनल करिकुलम में किया, तो ये हमारा एक टोटल एरिया हो। सो इसका बेसिक हमने क्यों इसको चूज किया, तो हमारा आइडियोलॉजी की बेस पर ही हम अपनी सोसाइटी को रन करते हैं पाकिस्तान में, और कॉन्स्टिट्यूशन वो रूल्स और रेगुलेशन का एक कलेक्टिव चीज़ है कि जो पाकिस्तान की पोलिटिकल और गवर्नेंस सिस्टम को रूल करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही की बेस के ऊपर जो है हम ये समझते हैं कि करिकुलम को जो है वो डेवलप होना चाहिए। और पाकिस्तान में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दी गई हैं वो ज़्यादातर बेसिक एजुकेशन के हवाले से हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं या आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर। हमारी स्टडी के पाँच ऑब्जेक्टिव हैं। पहली हमारी स्टडी जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसके हवाले से और एजुकेशन पॉलिसीज हैं। सेकंड ये है कि पाकिस्तान में अब तक कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर कौन से एक्ट पास हुए हैं, कौन से लॉज बने हैं, ऑर्डिनेंस वगैरह और जो आए हैं इस्लामिक प्रोविजन के एस्पेक्ट पर भी, ये भी हम काम मुकम्मल कर चुके हैं, इसका एक एनालिसिस कर चुके हैं। अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो कंपल्सरी एजुकेशन और यूनिफॉर्म एजुकेशन की जो क्लॉजेस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उसके एस्पेक्ट पर कि हमें क्या काम करना चाहिए, और दूसरा ये कि जो करिकुलम पाकिस्तान में पिछले 15 सालों के अंदर रैपिड चेंज हुआ है स्पेशली पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ का, उस और ये जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के चारों टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं इनकी हम एक रिव्यू करने जा रहे हैं, और फाइनली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिसेंट इनिशिएटिव है। तो ये पांच इनिशिएटिव में जो पहले दो हैं इस पे हम कुछ काम कर चुके हैं, और आखिरी तीन जो हैं इसके लिए हम एक सीरीज ऑफ डायलॉग शुरू कर रहे हैं, और वो इसी एस्पेक्ट पर कर रहे हैं। सो करिकुलम के हवाले से जो हमारा रिसर्च थीम है वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम पिछले 15 सालों का एनालिसिस इसलिए करना चाहते हैं कि जो अभी रिसेंट करिकुलम सिंगल नेशनल करिकुलम आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो 2005 वाले से भी बिल्कुल डिफरेंट हो या 2020 से बिल्कुल मैच कर रहा हो, या इस अरसे के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो कितने परसेंट चीज़ें चेंज होती रही हैं। एजुकेशन पॉलिसी के अंदर करिकुलम डिज़ाइन को किस तरह डिफाइन किया गया है, किन स्टैंडर्ड्स को उसके अंदर रखा गया है, इसको हम देखेंगे। और इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिंगल नेशनल एजुकेशन की एग्जीक्यूशन स्कीम दी है वो किस एस्पेक्ट पर है, साथ तौर पे अभी प्री क्लास एंड फिफ्थ क्लास तक का जो पूरा करिकुलम दिया गया उसके कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, तो क्या वो स्टैंडर्ड पाकिस्तान की डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे, पाकिस्तान के कल्चर के एस्पेक्ट पे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आइडियोलॉजी के एस्पेक्ट पे मैच करते हैं, या जस्ट वो एक डिस्कशन के साथ जो है उसको डिवेलप कर दिया गया। और फाइनली कि जब अगर डिवेलप कर दिया गया है ये एक फ्रेमवर्क, तो टेक्स्ट बुक की जो या पब्लिकेशन कंपनीज हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, खा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करते हों, खा वो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हों या इंटरनेशनल पब्लिकेशन कंपनीज हों, ये किस तरह हमारी करिकुलम की एग्जीक्यूशन स्कीम को लेकर के चलेंगी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक मुख्तसर जायजा आपके सामने ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ये कुछ वेरिएबल्स फाइंड आउट किए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस किस चीज़ की प्रोविजन जो है वो पिछले तीनों कॉन्स्टिट्यूशन और करंटली यानी कि रिसेंटली अमेंडमेंट्स के बाद उसके अंदर हुई है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को, पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की सोसाइटी को,
पाकिस्तान के रिलीजन को, ओवरऑल एक सोशो कल्चरल सारी चीज को प्रेजेंट करता है। ये हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी प्रोविजन मौजूद थी, जबकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो इसको प्रीएम्बल का दर्जा भी दिया गया और इसमें एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट जो है वो मुकम्मल मौजूद है। स्टेट कंट्रोल एजुकेशन, ये पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो स्टेट कंट्रोल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट मौजूद है कि स्टेट डिफाइन करेगी कि किस तरह की एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। रिलीजियस एजुकेशन की प्रोविजन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। एजुकेशन एज अ बेसिक राइट प्रोविजन जो 25A की रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है 18th अमेंडमेंट के थ्रू, ये पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन नहीं थी, लेकिन 1973 की 18th अमेंडमेंट जो हुई है उसके अंदर ये बेसिक राइट की प्रोविजन जो है वो मौजूद है। और इसी बेसिक राइट की प्रोविजन जिस इंटरनेशनल फोरम के थ्रू हुई है 25A जिसे हम कहते हैं, उसमें यूनिफॉर्म एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो मौजूद है। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी प्रोविजन मौजूद है। कंपलसरी कुरानिक टीचिंग जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी प्रोविजन मौजूद है। कंपलसरी इस्लामिक एजुकेशन की प्रोविजन पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी लेकिन बाकी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान स्टडीज़ की कंपलसरी प्रोविजन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है, ये एक एक्ट के थ्रू जो है ये जो है इसके काम हो रहा है। अरेबिक लैंग्वेज की जो प्रोविजन है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। सोसाइटी डेवलपमेंट थ्रू इस्लामिक रिसर्च, ये भी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। हायर एजुकेशन की प्रोविजन जो है वो भी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। हायर एजुकेशन की एसेसिबिलिटी वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। और टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, ये टोटल एजुकेशन के जो डील करते हैं ये सम, ये तकरीबन 10-12 एट्रीब्यूट्स कह लीजिए जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है और इसी की बेस पर जो है मुख्तलिफ एक्ट वगैरह पास हुए हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो अब तक एजुकेशन के ऊपर एक्ट दिए हैं उसमें सबसे पहले पाकिस्तान साइंस एजुकेशन का एक्ट है 1973 का। 1974 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं जो साइंस के हवाले से भी हैं और बाद में फिर ये पाकिस्तान स्टडीज़ वगैरह का आगे आता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 74 में बना जो बाद में AGC के अंदर कन्वर्ट हो गया। एरिया स्टडी सेंटर 75 का एक्ट है। फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद का जो है 1975 एक्ट के थ्रू है। इसके अलावा जो है वो करिकुला टेक्स्ट, ये जो बेसिक जिसके ऊपर हम काम भी करते हैं या कर रहे हैं, 1976 का एक्ट है। पाकिस्तान स्टडी सेंटर जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद है 1976 के एक्ट में। PMDC जो रिसेंटली अभी उसके ऊपर एक इशू चल रहा है और ये 2012 में अमेंडमेंट हुई लेकिन उससे पहले का ये एक्ट है। बेसिक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2012 है। और फिर इस्लाम ये जो प्राइवेट एसोसिएशन स्कूल्स होते हैं उनका 2013 का एक्ट है। और रिसेंटली जो एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था कुछ अर्सा पहले वो कंपलसरी टीचिंग ऑफ होली कुरान है जो 2017 का एक्ट है। हम ये देखते हैं कि 1970s के अंदर एक्ट आए हैं या फिर रिसेंट आज से 10 साल पहले एजुकेशन के हवाले से कुछ एक्ट आए हैं। प्रेजिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो एक्ट्स आए हैं वो प्राइमरी एजुकेशन ऑर्डिनेंस है 1962। इसके अलावा पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एक्ट है। HEC का एक्ट है जो 2002 के अंदर आया है। नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन 2002 है। और इस्लामाबाद के हवाले से कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन का ऑर्डिनेंस जो है वो 2002 में आया। तो ये टोटल एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इस अरसे के अंदर आए हैं। लाइट ऑन कर दीजिएगा। तो हमने कोशिश ये की है कि इन एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की रोशनी में करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से हम कुछ काम करें और करिकुलम डेवलपमेंट में हमारा फोकस्ड एरिया जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से होगा। इसी हवाले से हमने आज के इस प्रोग्राम में जो दो अपने सीनियर गेस्ट जो इस हवाले से एक्सपर्ट भी हैं डॉक्टर सलीम साहब और डॉक्टर इजाज़ शफी गिलानी साहब, उनको इन्वाइट भी किया है। और मैं बिला ताखीर डॉक्टर सलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो गवर्नमेंट के यूनिफॉर्म या सिंगल नेशनल करिकुलम को किस नज़र से देख रहे हैं, इसके किन चीज़ों को पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खदशात के तौर पे पेश की जा सकती हैं कि जो इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए मे बी के नुकसानदेह भी हों। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा फॉर्मर एजुकेशन एडवाइज़र डॉक्टर सलीम साहब से कि इस हवाले से ऑडियंस के सामने अपनी बात। मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मेरी जितनी बातें होंगी ये तीन दो अदवार के हवाले से ताकि जरा स्ट्रक्चर रही चीज। हमारा पास्ट 2006 में करिकुलम बना और अच्छा करिकुलम था, बड़ी मेहनत से बनाया गया, बहुत डिटेल कंसल्टेशन हुई। उस 2006 के करिकुलम को
मौजूदा जो यकसान नसाब तालीम जिसको आप कह रहे हैं, हम इसको एक तरफा नसाब तालीम कहते हैं, उसको ऑलमोस्ट 95% कॉपी किया गया, ऑलमोस्ट 95% 2006 के करिकुलम को कॉपी किया गया। उन लोगों से कॉपी करवाया गया जिनका करिकुलम से कतन कोई तल्लक नहीं था, वो टीचर बेचारे जो टीच करते थे उनसे कॉपी कराया गया, और उन्होंने खुद कहा कि भाई हमें तो करिकुलम को पता ही क्यों नहीं, हमें क्यों बुला रहे। करिकुलम एक रिसर्च बेस्ड चीज होती है, रिसर्च करनी पड़ती है, नीड क्या है इस मुल्क की, आइंदा क्या जरूरत है, 6 में क्या जरूरत थी, 20 में क्या जरूरत है, ये सारी चीजें देखनी। मैं चूंकि रफा के टीचर्स को करिकुलम का कोर्स पढ़ा भी रहा हूँ, तो उस हवाले से मैं ये चीज़ें पहले भी शेयर कर चुका हूँ, माशाल्लाह स्टूडेंट्स बैठे हुए, मैं खासकर इनके हवाले से सबसे पहले ये जरूरी है रिसर्च कर कि मुल्क की जरूरत क्या है, आइंदा क्या मसाइल हैं, किस चीज को, दुनिया कहाँ पहुंच गई है, हम कहाँ हैं। बस मैं एक मिसाल दूं रिसर्च के हवाले से, पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली दुनिया का द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री करार दिया गया है, सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट पॉपुलेटेड क्या कहते हैं पोल्यूटेड कंट्री का करार दिया गया। पोल्यूशन इतना बड़ा इश्यू है और फ्यूचर में इतना बड़ा इश्यू है कि क्रिटिक लगता है कि पाकिस्तान के लिए दूसरे इतने बड़े मिसाल नहीं जितनी डेथ इससे होंगे। आपका करिकुलम खामोश है, इसमें चंद रेफरेंस जो कतन नाकाफी, वाटर सैनिटेशन हाइजीन आप SDG में कमिट करके आए हैं कि वाटर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल अब बाय 2030, सैनिटेशन फॉर ऑल, ये हमारा SDGs के टारगेट हम कमिट करके आए हैं। वाटर एक बहुत बड़ा इशू है, आपके मौजूदा करिकुलम उसको नकल किया गया 2006 से, बड़े ही कलील से कुछ रेफरेंसेस हैं इस बारे। मकसद मैं कहना है कि हमारा ये करिकुलम पे कोई रिसर्च नहीं है कि हमारे मुल्क की जरूरत क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, दुनिया कहाँ पहुंच गई है, और हमारी क्या जरूरत है करिकुलम, बस कतन कोई काम नहीं किया, जो बहुत बुनियादी चीज थी। फिर दो शबीर बैठे हुए हैं IT के हवाले से, माशाल्लाह बहुत ODI में बहुत हाई गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पढ़ाते भी हैं माशाल्लाह ODI को, कहते हैं कि अगर हमने ICT पे जोर नहीं दिया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और यूज ऑफ ICT फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन में जोर नहीं दिया तो पाकिस्तान 50 साल पीछे रह जाएगा दुनिया से। पूरी रिसर्च किया ये गया कि इस हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट के एक्ट को, इस बात को उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि यकसान हिसाब होना चाहिए, ये बहुत जरूरी था अपने मुल्क के लिए यकसान हिसाब, लेकिन जिस तरह इसको ट्रीट किया गया तो बहुत दिन मैं कहता हूँ कि अफसोसनाक एक स्टोरी है। इस्लामाबाद में 40-40 साल तजर्बा रखने वाले करिकुलम डेवलपर मौजूद थे, क्योंकि हम ही तो करते थे सारे, किसी को कोई कंसल्ट नहीं किया, कतल पता नहीं क्या वजह थी हमें समझ नहीं आई, उसको कॉपी किया, सूबों से कंसल्टेशन हो रही है, कंसल्टेशन भी एक लोगों से हुआ। करिकुलम एक ऐसी चीज है जिसको मीटिंग में कभी का आप डिसाइड नहीं कर सकते, मीटिंग्स में तो आप किसी चीज को अप्रूव करते हैं या डिस्कस करते हैं, करिकुलम सर एक ऐसी चीज है जिसमें बड़ी बैठ कर एक्सपर्ट्स की लंबी एक्सरसाइज चाहिए। ये कहना कि हमने इतनी मीटिंग की, हमने इतनी कॉन्फ्रेंसेस की, इसमें 400 लोग बुलाए, ये आप कर दूसरों को बेवकूफ बनाने वाली बात, कभी भी करिकुलम इस किस्म की चीजें जो है ना वो 400 लोगों की मीटिंग में नहीं हुई। इन्होंने कहा जी हमने मीटिंग की, सुबह में की, ये किया, हमने उनसे राय ले ली, वो कतल झूठ था, मुझे पंजाब वालों ने बुलाया कि आप आए सोशल स्टडीज करिकुलम 4th-5th को देखे, मैंने इनको 10 कमेंट दिए, अब यकीन जाने वो इन्होंने कॉपी जो किया वो कॉपी भी सही नहीं कर सकता, आखिर में विजन लिखा हुआ था, भाई विजन शुरू में होता है, 9M लिखे हुए, मैंने कहा 9M क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव का जिक्र ही नहीं था, मैं सुपोटोमिया की तहजीब सिखा रहे ज्योति जमात में, वो मैंने कहा यार पहले अपनी तहजीब सिखाओ, ग्रीक तहजीब सिखा। देखिए नसाब काफी नहीं है एक जैसा करना भी, देखिए नसाब के साथ आपको एक सा मीडियम इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, आपकी फैसिलिटीज सर्विसेज एक सा होनी चाहिए। हमारे नॉन फार्मर स्कूल है, मैं उनका भी जा रहा हूँ, 30,000 नॉन फार्मर प्राइमरी स्कूल है इस मुल्क में, कमरा नहीं है,
टीचर्स के घर में पढ़ा रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है, 8,000 रुपया टीचर को तनख्वाह दे रहे हैं, वो भी 6-10 महीने वो अगर यहाँ क्या कर बैठते हैं, उनको मुजाहरे करते हैं, वो धरने देते हैं, तो फिर कोई मिलती है 8,000 रुपया तनख्वाह एक टीचर को, 5 क्लासों में पढ़ती है टीचर, कुछ फैसिलिटी नहीं है। इस निसाम में उनको कंसल्ट ही नहीं किया गया, बीकन हाउस मौजूद है, सिटी स्कूल मौजूद है, ये सारे मौजूद हैं, उनको किसी ने कंसल्ट ही नहीं किया। उनके भी कोई मिसाइल है 30,000 नॉन फार्मर प्राइमरी स्कूलों के जो घरों में बने हुए, क्या वो निसाब ये पढ़ा सकेंगे क्या, मतलब कुछ ने पूछा ही नहीं। हो जी हमने कंसल्टेशन कर दी, भी सबसे कंसल्टेशन की, मैंने उनसे पूछे 14 सवाल पूछे, मैंने कहा क्या इनसे कंसल्टेशन किया अपने जो गरीब टीचर्स हैं और जो बिल्कुल 5 जमातें पढ़ाते हैं और वो उनके पास बेचारे के पास कोई टीचर ट्रेनिंग भी नहीं है, उनकी मैट्रिक पढ़े हुए हैं या एफए पढ़े हुए हैं, उनकी टीचर ट्रेनिंग भी नहीं है, क्या उनसे कंसल्ट किया किसी ने, जो गरीब से बच्चे स्कूल थे। तो सर इसके बड़े मसाइल हैं, नजरिया पाकिस्तान के हवाले से मिसाइल हैं, टू नेशन थ्योरी के हवाले से मिसाइल हैं। अब मैं एक तीसरी बात, इस पे बहुत हमने इस पे जोर दिया, इन्होंने इस तरह किया, 17 में हुआ ये लेकिन इम्प्लीमेंट अब हुआ, इन्होंने इस तरह किया कि वैल्यूज की एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, इन्होंने ह्यूमेनिस्ट की वैल्यू यहां सबके नाम लिखे हैं, किस ह्यूमेनिस्ट से कौन सी वैल्यूज उठाई गई हैं, उस ह्यूमेनिस्ट की वैल्यूज जिनमें से मोस्ट ऑफ देम अल्लाह पे खालिक पे गॉड पे बिलीव नहीं करते, वो एथियस्ट है, वो ह्यूमेनिस्ट, उनकी वैल्यूज को उठाया और उसकी एक पूरी किताबचा बनाया, बुकलेट बनाई और टेक्स्ट बुक राइटर को दे दी कि भाई आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में इन वैल्यूज को इंटीग्रेट करें। हमने इनसे कहा, मैंने एक पूरी एक्सरसाइज करके दी, कुरान से 70 के करीब वैल्यूज, सूरह हुजरात पूरी वैल्यूज है भाई, तजस्सुस दूसरे के बारे में ना किया, डोंट बी इन्क्विजिटिव, गिबत ना किया करो, दूसरों के बुरे नाम रखा करो, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, बस झूठ ना बोला करो, सच्चों के ये कोई 70 वैल्यूज मैंने कुरान से उठाई, हदीस से 40 वैल्यूज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी भाई वो उठाई और उसके ऊपर तरबियती निज़ाम दिया, 12 प्रोग्राम दिए, इन 12 प्रोग्राम के जैद स्कूलों में ये चीज़ तरबियत आसम ने वो इनको दी, इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, से सेट असाइड, एक भी इंटरनेशनल प्रेशर था क्या था व्हाट्स ओवर, इन्होंने उस कुरान की वैल्यूज को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यूज को उस बुकलेट में शामिल नहीं किया, वो बुकलेट आपके पास आप आथर के पास मौजूद है। हमने कहा भाई इन वैल्यूज को जो ह्यूमनिस्ट की वैल्यूज हैं, जो एथियस्ट लोगों की वैल्यूज हैं, आप उनको रखते हो, कुरान की वैल्यूज को नहीं रखते हो, चक्कर क्या है? मालूम महसूस हमें यह हो रहा है कि इन पर कोई प्रेशर है, ग्लोबल वैल्यूज हैं, ग्लोबल वैल्यूज पढ़ाएंगे, और ग्लोबल वैल्यूज जो कुछ हैं आपको पता है आप किस किस्म की ग्लोबल वैल्यूज आज जा रही हैं, अल्लाह माफ करे, लेस्बियन, होमो, और ये सब चीजें ग्लोबल वैल्यूज बनती जा रही हैं, ये कितना खतरनाक काम हो रहा है कि आप कुरान की वैल्यूज को, जिसके पीछे अथॉरिटी नहीं है वो पढ़ा रहे हैं, कुरान जो अथॉरिटी है जनूबी शासन वो, हमने कहा यार कम अज कम उन वैल्यूज को भी कुरान का नाम तो दो, कुरान इनमें से ये वैल्यूज कुरान में आई है, ये कहते नहीं नहीं ये नहीं कर। तो हमने, मेरे दोस्तों ने ये बहुत मेहनत की है, लाहौर में प्रोफेसर मलिक साहब हैं, डॉक्टर अमीन हैं, शामी साहब है जो आपके जर्नलिस्ट हैं, वहाँ बहुत से मीटिंग हुई है लाहौर में इसके ऊपर, और अब प्रेसिडेंट को मिलने जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये इस्लामिक कंट्री है, यहाँ तो आप कहते हो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और ये और ये, और ये सारी ह्यूमनिस्ट की वैल्यूज जो दहरी हैं उनको बताइए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू वैल्यूज के हवाले से जो हमारा इस वक्त इंसाब में जा रहा है, एक्सपर्टी अलग बात है, एक्सपर्टी है ही कोई नहीं, करिकुलम फ्यूचर नीड को सामने रखा गया। इन्होंने कहा था कि जी हम एक किताब, एक ही निसाब होगा पूरे मुल्क में, एक ही किताब होगी, वही किताब हर जगह पढ़ाई जाएगी, बलोचिस्तान में उस किताब को खोलो तो वो भी हुई होगी, कराची में खोलो तो वो भी हुई वहाँ ही होगी, केपीके में वही होगी, जेके में वही होगी, बाद में कहा नहीं यार ये बड़ा मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता, हम एक मॉडल बुक बना लेते हैं, टेक्स्ट बुक अगर कोई चाहे तो इसको फॉलो करें, नहीं ना फॉलो, उसमें बैकआउट हो गए। इन्होंने कहा जी हम एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि सारे प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, खा वो बीकन हाउस है, छोटे प्राइवेट स्कूल है, वो यही किताब पढ़ाएंगे, ये निसाब पढ़ाएंगे, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बाद में पहले अंग्रेजी करने के बाद उर्दू होगी,
चलो अच्छी बात, आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू हुआ कि प्राइवेट स्कूल ऐसा करेंगे। जब प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से करेंगे तो वो आपके निसाब को, आपकी मीडियम और सिलेक्शन को कहाँ, आपकी किताब कहाँ मालूम है। अगर ये सच्चे हों तो ये उठकर नोटिफिकेशन करें कि आज से फलां तारीख के बाद कोई प्राइवेट स्कूल कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ाएगा, यही किताब पढ़ाएगा हमारी। फिर उन्होंने कहा जी कि मिनिस्टर साहब ने जी बड़ा मुश्किल है जी, 25-30 साल तो होना बड़ा मुश्किल है जी। किसान साहब भाई आप तो कह रहे थे 21 मार्च से हम करेंगे, 25-30 साल में चले गए आप। आज तक सर इनसे पूछे, अब तो आप सब प्लीज इनसे पूछे, तुमने वादा किया था कि हम प्राइवेट स्कूलों को नोटिफिकेशन करेंगे, सारे प्राइवेट स्कूल ये किताब पढ़ें, क्यों आज तक वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कब होगा? इसका मतलब यह है कि या तो ये डरे हुए हैं या सिंसियर नहीं है, व्हाटएवर रीजन, आज तक नहीं हुआ सर। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं ओ लेवल ए लेवल और हमारा निसाब। मेरी भी इस पर एक स्टडी है, मैं रात भी बताया, इंग्लिश का मुझे दिया गया, हम कुछ साथी बैठे हैं, प्रोफेसर हसन मलिक हैं, हमारे रशीद साहब हैं, हमारे मनाज साहब हैं, हमें हमने अपना एक टास्क लिया है, ओ लेवल की किताबों को देखो और अपने निसाब को देखो नवीं दसवीं का, उसमें कितनी पाकिस्तानियत है, उसमें इस्लाम नजरिए पाकिस्तान के हवाले से क्या कुछ है, इस्लामिक आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, टू नेशन थ्योरी के हवाले से क्या है, पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में क्या है, तो हमारा ये फोकस था। मैंने अंग्रेजी की किताबें जो है ना ओ लेवल की और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें हैं वो को कंपेयर किया, इनमें क्या है इनमें क्या है, मैंने पूरी रिपोर्ट लिखी है, आज लाइव हो रही है इंशाल्लाह, अगर सदर में आपको शायद शेयर। मैं इस पर हैरान रह गया। अब मैं बताता हूँ कि जो ओ लेवल की किताब हमारे स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, और आपको पता है 2 लाख के करीब बच्चे हमारे ओ लेवल में और 1.5 लाख के करीब ए लेवल में हर साल दाम देते हैं, इतनी बड़ी तादाद है हमारी जो ओ लेवल ए लेवल पढ़ती है। अंग्रेजी की किताब जो है, अंग्रेजी की किताब मैडम, मैं सलीम हूँ और मैं करिकुलम विंग इंचार्ज रहा हूँ पास्ट में जी, जी, और मैं करिकुलम में थोड़े से कमेंट दे रहा हूँ, और इस वक्त में पहुंचा था ओ लेवल के करिकुलम और हमारा जो गवर्नमेंट का करिकुलम है उसका कंपैरिजन मैंने किया है जी, जी, वो शेयर कर रहा था पाकिस्तानियत के हवाले से, क्योंकि नेशन थ्योरी के हवाले से और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान मूवमेंट का बिल्कुल उसको मैंने देखा। वहाँ जो कैम्ब्रिज की किताब है जो अब लगी हुई है ओ लेवल में, बड़ी महंगी किताब है, 1700 रुपये की किताब है, अगरचि कागज़ बहुत अच्छा है, इलस्ट्रेशन कलर, उसमें पाकिस्तानियत कितनी है सर? मैं उसने रेफरेंसेस देखे हैं, उसमें कैम्ब्रिज वाली में पाकिस्तान के हवाले से खासकर आइडियोलॉजी वाले नॉट ए सिंगल रेफरेंस भी नहीं है उसमें, एक रेफरेंस भी नहीं है। वो चूंकि पूरे दुनिया में एक ही बड़ा किताब पढ़ाई जाती है तो वहाँ मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले हैं, कोई रेफरेंस नहीं है पाकिस्तानियत के बारे में, टू नेशन थ्योरी के बारे में, पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में, और तकरीबन ओ लेवल में 2 लाख बच्चा हमारा इम्तहान देता है, वो उनको बिल्कुल इस अंग्रेजी में जो चीजें हैं नहीं। ऑक्सफोर्ड की जो किताब है उस, वो चूंकि पाकिस्तान स्पेसिफिक है ज्यादा, इंडिया पाकिस्तान स्पेसिफिक, उसमें जो रेफरेंस जो चीजें दी गई हैं वो एक दिया गया है हमारा पोलो खेलना गेम, लिपर्ड हमारा उसके ऊपर है, नीम के दरख्त पे है, उसमें ड्रैगन्स के ऊपर है, वो जो चाइनीज वो सेलिब्रेट करते हैं ड्रैगन्स के ऊपर है, उसमें मैराथन रेस है मिक्स बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं मैराथन रेस दूसरे कैम्ब्रिज वाली में मिक्स है। अच्छा, लव नेक बच्ची की तस्वीर है पहनी हुई उसमें। अच्छा जी, फिर उसमें है आमिर खान के बारे में है, बक्सर हमारा, और ये लिखा हुआ कि पाकिस्तान में 132 बच्चों को शहीद कर दिया गया और आमिर खान ने बड़ा डोनेट किया और ये किया, ये सब पाकिस्तानी रहता है, दो कौमी नजरिया है, ये दो बस उस किताब कतन कोई बच्चों को इस बारे में नहीं सिखाया गया,
दो कौमी नज़रिया भी कोई है या कोई आइडियालॉजी पाकिस्तान भी कोई है, आइडियालॉजी इस्लाम भी कोई है या कोई पाकिस्तान मूवमेंट भी है, बड़ी मेहनतों से हमने ये मुल्क हासिल किया, कतन कुछ भी नहीं। मैं उसकी रिपोर्ट लिख रहा हूँ, अगर आप चाहें तो शेयर करें। अब मैं पाकिस्तान पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को देख बताता हूँ, नौवीं की किताब अलग है, दसवीं की किताब अलग है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इतनी अच्छी किताब इस हवाले से कि मैं उनको सल्यूट करता हूँ। और जो राइटर हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के तहत इंग्लिश की जो किताब नौवीं दसवीं की लिखी गई है, आई सल्यूट दैम, बहुत रेलिवेंट, बहुत मीनिंगफुल, बहुत ही आप समझें कि क्या कहते हैं कि इफेक्टिव किताब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले डिगी पे है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव लेसन है पहला लेसन नवी किताब में डिगी के ऊपर, किस तरह फैलता है, इसकी वजूहत क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है, ठीक है। फिर पहला लेसन नबी सल्लम पे है, हजरत मोहम्मद मैन काइंड, इतनी अच्छी तरह से समझाया गया किस तरह उन्होंने मैन काइंड को सेव किया। पैट्रियटिज्म पे है पूरा, और सारे हमारे निशान हैदर जिन लोगों ने लिए उनके नाम है, फिर उन पर एक्सरसाइज दी बच्चों के लिए, मजीद डिटेल आप सर्च करें एक्सरसाइज में कि कैसे शहीद हुए, कैसे पढ़े उनके ऊपर। फिर उसमें लिखा कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए जान दे दी, आप भी जब अपने मुल्क को जरूरत हो तो अपनी जान का नजराना पेश करना, मैसेज दिए ये अपना मुल्क है, बड़ी मुश्किलों से हमने हासिल किया है बिलावट, और इसके लिए जब जरूरत पड़े अपनी जान देने से ग्रेज ना करना, ये मैसेजेस दिए हुए पैट्रियटिज्म में। कायज वियन पूरा एक स्टोरी है, पूरी है नबी नहीं कायज आजम मोहम्मद जिन्ना के बारे से स्पीचेस दी हुई हैं टू नेशन थियोरी के हवाले से, हम अलग नेशंस हैं, वो अलग नेशंस हैं, हमारा सब कल्चर अलग है, वो डिफरेंट, हम इकट्ठे नहीं रह सकते, उनके रेफरेंसेस दिए हुए हैं उस किताब में। इसी तरह चौथी किताब में बहुत सारे रेफरेंस दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा लेसन है एज एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। तो अगर आप नवीं दसवीं की किताब उठा देखें पंजाब की, तो इतनी अच्छी किताब है, इतनी रेलिवेंट है, उसके टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ पे टॉपिक है, हाउ टू चूज ए कैरियर के ऊपर टॉपिक है, ट्राई ट्राई अगेन के ऊपर टॉपिक है, तो बड़ा रेलिवेंट उसमें मालूम है, यकीन उसको मैं बहुत अच्छी सिलेक्ट पाकिस्तानियत के हवाले से, दो टू नेशन थ्योरी के हवाले से, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, जबकि वो दूसरी किताबें बिल्कुल खाली हैं इससे। अब हमने सोचना है कि क्या 2 लाख बच्चे को हमने कुछ पाकिस्तानियत नहीं पढ़ानी। हाँ, जो सोशल स्टडीज की जो है उसमें भी यही हुआ, मेरे दोस्त ने अरशद सईद उसने वो किया, उसने कहा जी इन दोनों ओ लेवल की किताब में पाकिस्तानियत की कोई बात नहीं है, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम इस्लामियात इन चारों सब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, तो ये है ओ लेवल और ए लेवल का कंपैरिजन। मैंने पहले भी किया था, मैंने शफीक महमूद साहब को पेश किया था इस्लामियात की, जब मैंने किया था इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ का पहली किताब जो थी, ये 3 साल पहले की बात, 2 साल पहले की बात, और उसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान स्टडी, बाहर के बंदे ने लिखी हुई थी वो किताब, उसमें लिखा था 1965 की वार में पाकिस्तान की आर्मी को बुरी तरह शिकस्त हुई है, और वो यहाँ पढ़ाई जा रही थी। मैंने जाकर शफीक महमूद साहब से कहा कि ये क्या लिखा हुआ है जी, ये पढ़ाया जा रहा है आपके अंडर। फिर हमने किसी और आर्मी के बंदे से कहा, उन्होंने जब जाहिर उनके पास बात थी, उन्होंने कहा कि आइंदा यह किताब नहीं लगेगी, सारी किताब उठा दी, नई किताब आई हुई है बाहर के राइटर की लिखी हुई थी। इस्लामियात यकीन जाने ओ लेवल की इस्लामियात ए लेवल में तो है ही नहीं, ना ए लेवल में, ना तो इस्लामियात पढ़ाई जाती है ए लेवल में, ना पाकिस्तान स्टडी पढ़ाई जाती है, वो फारग। ओ लेवल की जो इस्लामियात की किताब थी, नमाज की शरायत में से जो नमाज में दाखिल होने से पहले जो जरूरी शरायत है, उसमें 7 में से 4 दी हुई थी, 3 नहीं थी, 70 वारा का कोई सिलसिला नहीं है, बेशक 70 जो मर्जी हो, 70 डांपना जरूरी है औरत मत के, कोई मसला। नमाज की 3 किस्में जी, एक फर्ज नमाज है, एक नफल नमाज, एक दुआ नमाज है। मैंने कहा ये कौन सी होती है। लेवल ये था नवीं दसवीं में कि जी जुमे की नमाज जो है वो मिड डे को पढ़ी जाती है, अल्लाह जानता हमारी चौथी लेवल की भी कॉन्टेक्ट नहीं थी, उसमें सूरतें दी हुई हैं, हदीसें दी हुई हैं, कहा कि इसका इम्तहान नहीं होना, रोड मेमोराइजेशन नहीं करनी, जुबानी याद नहीं करना। मैंने बच्ची से पूछा प्रैक्टिकली, मैंने कहा यार निसाब में तो ये इकदाम है यार, निसाब में देखो उसमें भी नहीं था, पेपर में नहीं था,
मैंने बच्चे जो पढ़ रहे थे उसमें से एक को पूछा अपनी भतीजी थी, मैंने कहा आपको कितनी सूरतें आती हैं, कहती है अंकल मुझे तो कोई सूरत नहीं आती। मैंने कहा बच्ची आपको सूरत फातिहा नहीं आती, वो ए लेवल पर पहुंच गई थी। अंकल मुझे तो सूरत फातिहा नहीं आती। मैंने क्यों, कहती है सर हमारी तो वो तो इनकरेज ही नहीं करते, वो कहते ये रोड मेमोराइजेशन है, सूरत फातिहा याद कर लो, आयतुल कुर्सी याद करो, ये रोड मेमोराइजेशन है, हमें तो नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हालात हैं आपके ओ लेवल और ए लेवल, ओ लेवल के और हमारे उसके मुकाबले में हमारी इस्लामियात नामी दसवीं की सूरत पूरी, सूरत अनफाल पूरी है, उसका तर्जमा, उसकी तफसीर, उसकी अरबी के क्या अल्फाज के मानी, बड़ी डिटेल। अब वो बच्चे जो हैं जो ये पढ़ कर के मिड डे को जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है, सुबह की रकातें इतनी हैं, जोर की इतनी है, वो तो 95% नंबर लेना उनके लिए मसले कोई नहीं, वो तो हर जगह आगे आएंगे, 95% नंबर लेंगे, मेडिकल में चले जाएंगे, हर जगह चले जाएंगे। और जिसको पूछो सूरत अनफाल, उसका तर्जमा, उसकी तफसीर, वो बच्चा बेचारा वो कर सकता। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत सारे मसाइल हैं ओ लेवल और ए लेवल के भी और हमारे करिकुलम की, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। मैंने दो चार चीजें पाकिस्तानियत के हवाले से, जो हमारा करिकुलम इस वक्त है, इन्होंने उस पर परवाह ही नहीं की पाकिस्तानियत के हवाले से, और आइडियोलॉजी पाकिस्तान की भी परवाह नहीं, नकल किया 2006 के करिकुलम को एज इट इज, और नकल भी अकल से नहीं किया। वहाँ 2006-2020 मुल्क की क्या ज़रूरियत है, कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, उन लोगों से करवाया जिनको करिकुलम को कतर को इंतजार बने, वो खुद कहते हैं। तो ये जिस तरह इसको ट्रीट किया गया इस करिकुलम को, वो बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया, लेकिन बहुत अच्छी एक्सरसाइज, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। कोशिश हम मिलकर ये करें इस करिकुलम को मुल्क के लिए इफेक्टिव बनाएं, फ्यूचर की जो नीड्स हैं उसको पहले देखा जाए, उस पर रिसर्च की जाए, उसको सामने रखकर हम इसको बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम साहब, इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है मिस वजीहा कमर साहब, उनको भी हम यहाँ खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। हमने आज के इस प्रोग्राम में रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी और सेंटर फॉर पीस एंड सोशल स्टडीज़ का जो जॉइंट प्रोग्राम है, उसमें जो हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, बेसिकली उसका एक इनिशिएटिव है, और उसमें जो गवर्नमेंट का सिंगल नेशनल करिकुलम है उसको हम देख रहे हैं। अभी तक हमारे साथ हमने अपनी प्रेजेंटेशन दी है जो हमारा इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, और हमने इस करिकुलम पर एक क्रिटिकल एनालिसिस के लिए डॉक्टर सलीम साहब को इनवाइट किया था। इनका क्रिटिकल एनालिसिस का कुछ हिस्सा तो आपने सुना भी है, और मेजर इनके जो पॉइंट्स थे वो यही थे कि 2006 का जो करिकुलम डेवलप किया गया था उसको 2020 के करिकुलम में कन्वर्ट किया गया है, लाइक के पोल्यूशन, वाटर, एनवायरनमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आज के दौर में और SDGs और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की रिक्वायरमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं किए गए हैं। इसी तरह करिकुलम डेवलप करने में कंसल्टेशन जो है वो बड़े फोरम्स के ऊपर हुई है, स्मॉल फोरम्स के ऊपर नहीं हुई है, ताकि उनको किसी मीटिंग में पास किया गया है बल्कि उनको डिटेल डिस्कस नहीं किया गया। इससे अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन है उसके करिकुलम पर भी इन्होंने तनकीद की है कि वो कोई बहुत ज़्यादा शायद प्रैक्टिकल का वर्ड इन्होंने यूज़ किया। साथ इन्होंने कहा कि सिर्फ करिकुलम फोकस नहीं होना चाहिए बल्कि पूरा एजुकेशनल सिस्टम फोकस होना चाहिए, जिसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़, ये तीनों चीज़ें जो है वो शामिल हैं, उसके नतीजे में एक मुकम्मल एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाता है। एक क्रिटिकल एनालिसिस इन्होंने ये किया कि हमारे करंट करिकुलम में जो इस वक्त लॉन्च किया गया है 5th क्लास तक, इसमें एथिकल वैल्यूज़ पे फोकस करने के बजाय ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़ पर फोकस किया गया, और ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़ आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ भी आ सकती हैं जो हमारे कल्चर से एसोसिएट ना हो बल्कि किसी और कल्चर से एसोसिएट हो। इसके अलावा अभी तक जो हाई स्कूल्स हैं, इलीट स्कूल्स हैं, उनमें कोई ऐसा नोटिफाई नहीं किया गया, कोई मॉडल टेक्स्ट बुक नहीं आई है इस करिकुलम के ऊपर, कोई टेक्स्ट बुक नहीं आई है, मॉडल टेक्स्ट बुक आई है और इसको कैसे फॉलो किया जाएगा। ए लेवल और ओ लेवल की बात आपने इनकी खुद भी सुन ली है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मारूफ तजिया निगार और एजुकेशनिस्ट भी हैं डॉक्टर एजाज शफी गिलानी, गैलप को भी रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे रिफा के साथ एसोसिएट भी हैं। आज हमने ख़ास तौर पे डॉक्टर एजाज शफी गिलानी को इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस टॉपिक के ऊपर डॉक्टर एजाज शफी गिलानी ऑडियंस के साथ बात करें। डॉक्टर सलीम साहब इस सब्जेक्ट के माहिर हैं, ये करिकुलम
स्पेसिफिक, और उन्होंने इस बात को बहुत सबूत भी दिया है कि वो इसमें शरीक 2006 में भी थे और फिर अभी उस पर क्रिटिकल रिव्यू देख रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल जो उस तरह की टेक्निकल गुफ्तगू है उस पर तो मैं कोई इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जो अमूमी चीज़ें हैं उस पर कुछ बातें रख देता हूँ। पहली बात, और मुझे जिस काम की मुझे कुछ महारत है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई 45 से 50 मिलियन बच्चे हर रोज़ स्कूल जाते हैं, और दुनिया के बहुत से मुल्कों की, दुनिया में चंद ही मुल्क हैं जिनकी कुल आबादी इतनी है। तो पाकिस्तान में जो सिंगल लार्जेस्ट एक्टिविटी ऑन अ गिवन डे होती है वो बच्चे को का स्कूल जाना है। कुल आबादी हमारी 220 मिलियन है, मेरे ख्याल 220 मिलियन में से अब ये 50 मिलियन तादाद है। तो स्पेन पूरे की आबादी, इतना बड़ा मुल्क है, वो 40 मिलियन है, यानी पूरे यूरोपियन यूनियन का पांचवां बड़ा मुल्क है, तो उसकी कुल आबादी 40 मिलियन है। तो पाकिस्तान में ऑन अ गिवन डे 50 मिलियन बच्चे जाते हैं। इससे ही आपको उसकी इकोनॉमिक वैल्यू का भी मुल्क में अंदाज़ा हो जाएगा वैसे, कि जब 50 मिलियन के को अगर हम घरों के हिसाब से कहें तो ये कोई होंगे 8 मिलियन घराने, यानी हमारे कुल घरानों में से 1/4 घराने होंगे कि जहाँ से, इससे भी ज़्यादा आधे घराने होते होंगे क्योंकि बच्चों का उस, कि वहाँ सुबह जो सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है वो ये कि एक बच्चे को तैयार कराया जाता है, उसके जाने का इंतज़ाम होता है, पैदल जाए या जैसे भी जाए, उसके बाद उसका बस्ता है, उसकी किताबें हैं, उसके कपड़े हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसकी आबादी बड़ी है और कम उम्र है, वहाँ जो सिंगल लार्जेस्ट एक्टिविटी, इसी से रिलेटेड ये बात भी है कि मुल्क में जो तीसरा बड़ा खर्चा है वो एजुकेशन है, खाने पीने के अलावा। पहला बड़ा खर्चा हमारा ये है कि हम ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क में बनाया है, चीज़ें की हैं, वो हमने कर्ज पे बनाया है, सड़कें बनी हैं, बिजली हुई है, वगैरह वगैरह है, ये सब हमने इस 70 साल में कर्ज पे बनाया है, तो लिहाजा उसकी हम पेमेंट करते हैं, बड़ा हिस्सा वो है, बाकी कुछ ज़ाया भी हुआ है उसकी भी पेमेंट करते हैं। लेकिन जब आप कर्ज पे कोई चीज़ बनाएंगे, मतलब घर में आपने कोई फ्रिज कर्ज पे ले लिया या वॉशिंग मशीन कर्ज पे ले ली, तो आखिर जाहिर है उसकी की पे करते रहेंगे। तो पहला बड़ा खर्चा तो मुल्क में ये है कि हम ने जो माजी में खर्च किया है उसकी किस्त अदा करते हैं। दूसरा बड़ा खर्च फिर है कि हमें इतने बड़े मुल्क की हिफाजत करनी है तो फौज है, और तीसरा बड़ा खर्च तालीम है। ये मैं सरकार के खाते से कह रहा हूँ, अगर इसमें आप प्राइवेट खर्चा भी डाल लें तो ये उन दोनों से भी आगे बढ़ जाएगा। लिहाजा हमारा चारों सूबों का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है, और मुल्क का 80% तो सूबों में ही खर्च होता है उन चंद खर्चों के अलावा, बाकी तो वो एजुकेशन है। तो हमारे इज्तमाही खर्चों में भी अपने माजी के इन्वेस्टमेंट के पे बैक करने के अलावा और फौज के अलावा तीसरा बड़ा खर्चा जो सरकार के तहत होता है वो भी एजुकेशन है। इससे अगली बात ये अहम होगी वैसे कि अगर औसत एज भी, अब हम कोई 65-66 साल हो गई है औसत एज मुल्क की, आमतौर से जो बच्चा पैदा हो तो इस बात की तवक्को करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे औसतन 66 साल तक जिंदा रख लेगा,
उसमें से एक बहुत अहम हिस्सा 16 साल तक की तमाम आबादी इस वक्त का कोई 70-75% स्कूल में होता है। बहुत सी चीज़ें तब्दील हो गई हैं मुल्क में कि अब 16 साल के बच्चों से भी जब सर्वे किया जाए तो ये मालूम होता है कि उसमें से कोई 70% स्कूल में है। तो वो जो अल्लाह ताला ने 66 साल दिए हैं उसमें से एक खासा बड़ा हिस्सा उन चार दीवारियों में खर्च होता है और बहुत कंसंट्रेशन के साथ होता है, क्योंकि एक लंबे घंटे खामोशी होती है। स्कूल अच्छा हो या बुरा हो या जैसा भी हो, हमारी गलियों में भी हैं, तो इत्तेफाक से मैं पिछले 40-45 साल से जिस गली में रहता हूँ उसमें स्कूल है, तो ऐसी खामोशी होती है दिन में, सरकारी स्कूल है लेकिन खामोशी होती है। अगर ये इतनी बड़ी एक्टिविटी है तो मेरा ख्याल है कि सरकार और उसके कारिंदों के सपोर्ट करना इसे वो कोई बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता। मैं सरकार, क्योंकि सरकार का मतलब तो सरकारी मुलाजिम है, वैसे हम जो भी कहते रहे लेकिन सरकार का मतलब तो सरकारी मुलाजिम है। तो इतनी बड़ी एक्टिविटी जो हमारी सोचों के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की पे बैक करना और मुल्क की फौज चलाना, ये तो एक और तरह की एक्टिविटी है, ये तो कारिंदे ही करेंगे। लेकिन ये जो इतनी बड़ी एक्टिविटी है इसके करने के लिए तो सरकार शायद सबसे मौजूद मुझे नहीं लगता कि है। इसलिए मैं उसूली तौर पे इसका बहुत हामी नहीं हूँ कि ये सरकार और ख़ास तौर से किसी बड़ी सरकार के सपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि जितनी बड़ी सरकार है उतना उसका मोहल्ले से बरादरी से कम ताल्लुक होता है, हो नहीं सकता ना। 1100 हैं पूरे पाकिस्तान की मरकजी पार्लियामेंट, तमाम पार्लियामेंट में 1100 लोग हैं टोटल, 350 नेशनल असेंबली में होते हैं, 100 के करीब कुछ सेनेट में होते हैं और उस 350 से दुगने तमाम सूबों में मिला के होते हैं, टोटल 1100 बनते हैं। 220 मिलियन आबादी है, कोई 1.5 लाख मुल्क में मोहल्ले हैं। अगर सब मोहल्ले जिनको एक्चुअली लोग मोहल्ला मुकामी कहते हैं तो उसको और 2 से ज़रब दे दें, 3 लाख हैं, तो ये 1100 लोग सूबे और इसको मिला के और उनके नीचे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी में स्कूल के आप टीचरों को भूल जाएं तो वो भी सब मिल मिला के 1 लाख से तमाम ब्यूरोक्रेसी मिला के कम है। इसलिए तालीम, जहाँ मैं डॉक्टर सलीम साहब की बाकी चीज़ें बहुत इत्तफाक कर रहा हूँ उस मामले से, लेकिन उसकी जड़ में कुछ और मसाइल हैं। उसकी जड़ में ये मसला है कि ये हमने गलत जगह पे इसकी जिम्मेदारी सोचते हैं। जब पाकिस्तान बना है तो उसकी सिर्फ 15% आबादी शहरों में रहती थी, शहर का मतलब ये था कि जिसमें कोई 3000 लोग भी रहते हैं वो शहर कहलाता था। उस वक्त सिर्फ 15% लोग ऐसी जगहों में रहते थे, बेशतर लोग कभी अपनी डिस्ट्रिक्ट या यानी अपनी तहसील में भी अपनी जगह आगे नहीं गए हुए थे। बिजली न होने के बराबर थी, 1980 में भी सिर्फ 16% घराने ऐसे थे जिनके पास बिजली थी, 80 में भी 40 साल में। इस अरसे में जो इतनी बड़ी तब्दीली आई है उस तब्दीली में हम इतने अहम मसले को ना सरकार, चाहे वो मरकजी हो चाहे दूसरी हो, इसलिए हम ना सरकार को ये पैसे दें ना सरकार से ये सहूलतें वसूल करें, कम से कम बड़ी सरकार को तो ना दें, क्योंकि एक सरकार वैसे यूनियन काउंसिल में भी पाई जाती है, वहाँ
घराने से भी ताल्लुक होता है, बरादरी से भी होता है। ये जो काम है तालीम का, इसको अगर मैं उसूली तौर पे तीन हिस्सों में तकसीम करूं, डॉक्टर सलीम साहब की जो बहुत आलमाना गुफ्तगू उनके फील्ड की उसके लिहाज से, इन्होंने कहा कि हम दो हिस्से उसके तरबियत हैं और एक हिस्सा उसका पेशा है। डॉक्टर सलीम साहब की गुफ्तगू में बहुत ही वाज तरीके से था कि दो हिस्से तरबियत के हैं, हम पाकिस्तानी बनने के लिए तरबियत देना चाहते हैं। इसका अतलाक 100% पाकिस्तानियों से है और हम अच्छा मुसलमान बनाने के लिए तरबियत देना चाहते हैं, इसका ताल्लुक 97% पाकिस्तानियों से है। बाकी 3% को वो जिस दीन पे हैं उसमें अच्छा हिंदू बनाने के लिए, अच्छा ईसाई बनाने के लिए, अच्छा बुद्ध मत बनाने के लिए, जैसा उनके बरादरी चाहे उसके मुताबिक। पहले का ताल्लुक 100% से है, दूसरे का 97% से है। ये दोनों तरबियत के काम हैं। तीसरा काम पेशे का है, जैसे उन्होंने कहा कि वाटर से मुतल्लिक पेशा या पोल्यूशन से मुतल्लिक पेशा ऑक्यूपेशन से है। ऑक्यूपेशन इंक्रीजिंगली एक ग्लोबल चीज है। पोल्यूशन के जो की जो एजुकेशन है वो कुछ ग्लोबल आएगी, उसके अंदर कुछ फिजिक्स भी होगी, उसके अंदर कोई बायोलॉजी भी होगी, उसके अंदर और बहुत सी चीज़ें होंगी, वो एक ग्लोबल है। उसमें जब तक हम उस ग्लोबल चीज़ से इस्तफादा नहीं करेंगे तो मुकामी तौर पे वक्त से, जैसे क्या कि डॉक्टर साहब ये कहेंगे, डॉक्टर शबीर साहब के, हम कंप्यूटर में अगर हमने IT ना की तो हम 50 साल पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये एक पेशा वराना चीज है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें इन तीन चीज़ों को, जो हमारी ऊपर की ये दो गवर्नमेंट्स हैं जिसको हमें सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन के लिए, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास तो कुछ पैसा नहीं होता है, पैसा तो हाउसवाइफ है, जो हाउसवाइफ के बजट में से गवर्नमेंट को पैसा जाता है। गवर्नमेंट का हाथ तो हमेशा ऐसे ही हो सकता है ना, गवर्नमेंट का हाथ ऐसे तो नहीं हो सकता। गवर्नमेंट तो कोई इंसान नहीं है ना जो कोई काम करके कमाती हो। ये तो पाकिस्तान में इसी वजह से 82% ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एक्चुअली हाउसहोल्ड इकोनॉमी। तो वो तो उसी अपने जो उसके पास उसके शौहर उसके पैसे दे देता है उसमें से वो कुछ सरकार के दे देती है, तो सरकार के हाथ में पैसे आ जाते हैं, तो सरकार का हाथ तो हमेशा ऐसे ही होगा। वो तो जो बाहर से कर्जा लेता है वो उसकी यही किस्त देती है पुराने में लिए हुए की। तो हम उससे इतने पैसे लेके और फिर उसका काम उससे छीन लें, क्यों उसके बजट में से इतने पैसे खींच के, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर उसके हाथ से छीन के, और ना ये तवक्को करें कि इसे इतने डिस्टेंस पे बैठे हुए लोग, और जैसे दुनिया का रंग होगी ग्लोबलाइज्ड 70 साल पहले नहीं थी, जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन है ऑक्यूपेशनल है वो आप ग्लोबल से बोरो करें। वो ग्लोबल ये चाहती है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी ग्लोबल हो जाए। जो सलीम साहब ने जो बहुत सही बताया ना कि वो लफ्ज़ ह्यूमनिस्ट का चूंकि प्रॉपर तर्जमा नहीं होता या उसकी वजाहत नहीं होती तो लगता है कि इंसान दोस्त। ह्यूमनिस्ट असल में इंसान परस्त। ह्यूमनिस्ट का मौजूद तर्जमा इंसान दो, ह्यूमनिस्ट का, ह्यूमैनिटेरियन का नहीं। ह्यूमैनिटेरियन तो इंसान दोस्त है। लेकिन जो ये बता रहे थे ना कि वो ग्रीक फिलॉसफी सबसे पहले और ग्रीक गॉड्स पढ़ाना बेमकसद नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी है
उसके जो कसस अम्बिया शुरू होते हैं वो ग्रीस गॉड्स से होते हैं, हिंदुओं के महाभारत से होते हैं, मुसलमानों के कसस कुरान से होते हैं, ईसाइयों के बाइबल से, ओल्ड टेस्टमेंट से होते हैं, चाइनीज के, उनकी अपनी एक सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है उससे होते हैं, लेकिन ह्यूमनिस्ट के ग्रीक फिलॉसफी के गॉड्स से होते हैं। और वो उसके इसलिए उसका तर्जुमा सही होना चाहिए, इंसान परस्त, इंसान दोस्त नहीं। लेकिन हम ये तो मैं ये तवक्को करूं कि मैं ना यानी गवर्नमेंट में कोई ना 50 आदमियों का दफ्तर होगा और ना उसको हम वो ये ना हमारे लिए ये तय करेगा। ये बात डॉक्टर साहब की दुरुस्त है कि वो ना वो कौन सा बेली कौन सा है जिसका हम करिकुलम में इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, उसका सिस्टम जो ब्रूम्स टैक्सोनॉमी जो हेल्थ का, एक्चुअली तो हेल्थ का प्रोफेसर, हेल्थ प्रोफेसर से वो जो, तो वो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है जिसमें वो कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, और तीसरा क्या साइकोमोटर यानी आपकी आपके रिफ्लेक्सेस वैसे हो जाए, ये मतलब है ना साइकोमोटर का। तो वो जो साइकोमोटर और कॉग्निटिव और अफेक्टिव, बल्कि अफेक्टिव ही तो साइकोमोटर, मैं थोड़ी सी इसमें गलती कर रहा हूँ, इसको वैसे मुझे इसका कॉन्सेप्ट है लेकिन ये तो आप लोग तो बड़े उसके साथ पढ़ाते हैं ना, अच्छा स्किल की तरफ जाता है, स्किल की तरफ जा जी, तो वो स्किल यानी और जो मोटर है वो ये कि वो आपकी कोई ऐसी शनाख्त बने कि आप ना चाहते हुए भी, जैसे हम ना भी चाहते हो कोई मजहबी ना भी हो चाहे जिसको बचपन से आदत हो तो उसको ये मालूम भी हो कि इस मीटिंग में छींक आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, कहने पे कुछ लोग बुरा मनाएंगे तो उसके मुंह से तो निकल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, वो साइकोमोटर है। तो हम ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग का से क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो पाकिस्तानी के साइकोमोटर को बनाने के लिए या मुसलमान की या किसी पाकिस्तानी हिंदू की ईसाई की उसकी साइकोमोटर बनाने के लिए हम ये एक ही जगह जमा कर लें। इसलिए मेरे जहन में ये बिल्कुल ये बात आती है और मैं इसके नंबर्स भी कभी, चूँकि वो मैं पाकिस्तान स्टडीज़ तो पढ़ाता भी हूँ ना, तो इसलिए मैं नंबर्स भी उसके जमा करता रहता हूँ गाहे बगाहे, कि हम ना जैसे हमने गैस के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बना ली है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बना ली है, वगैरह वगैरह जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए प्रोविंशियल बना ली हैं, हम पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए एक अलहदा नेशनल एंड प्रोविंशियल बॉडी बना ली, इसको हम मिक्सअप ना करें, क्योंकि उसके मिक्सअप करने में मुस्तकिल ये बात आती है कि हम दुनिया से पीछे रह गए हैं। तो एक लम्हा हम बात कर रहे होते हैं पाकिस्तानियत की और इस्लाम की और फिर हम दुनिया से पीछे रह गए हैं, इस पे आ जाते हैं, ये दोनों चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। हम प्रोफेशनल एजुकेशन में दुनिया से पीछे नहीं रहना चाहते, हम अपनी पाकिस्तानी शनाख्त और इस्लाम में पाकिस्तानी और मुसलमान ही रहना चाहते हैं, हम इसको गड़बड़ नहीं करना चाहते। कोई इतनी तकलीफ ना करे कि हमें ना $100 मिलियन दे के ये कहे कि आप ना अपने करिकुलम में जो पाकिस्तानियत है और जो इस्लामियत है उसको भी ना मॉडर्नाइज कर लें और उसको भी आप ग्लोबल कर लें। हम ये चाहते हैं कि जो ईसाई हैं वो ईसाई हों अच्छे, वो बेदीन ना हो जाए, कम अज़ कम मेरी राय ये है कि दुनिया वो 85% दुनिया की जो मैंने आपके सामने गिनवाए हैं ना वही है, 85% से ज़ायद ये तो मेरे सब्जेक्ट्स हैं ना,
सबसे बड़े ईसाई दुनिया में कोई 30% के करीब है, उसके बाद 25% मुसलमान है, उसके बाद कोई 10-12% हिंदू हैं, और इतने ही कोई 20% के करीब सिनिक सिविलाइजेशन जो कहलाती है वो हैं। ये पूरी दुनिया इन्हीं चार में ओवरवेलमिंगली है। तो इन चार में एक पांचवा है जिसे शामिल करना चाहिए, आमतौर से वो अपने आप को ही शामिल नहीं करवाता, वो ह्यूमनिस्ट मजहब है। वो भी एक मजहब है यदि हम किसी भी पैमाने पे देखें, इसलिए जो अमेरिका के भी सीरियस स्कॉलर्स हैं वो उसे एक मजहब के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो हम अगर एक ऐसी बॉडी हो, बजाय इसके कि हम ना जो नेशनल असेंबली के में भी हम एक कोई और कंफ्यूज बात करें, कि एक है जो ऑक्यूपेशन से है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, टू अर्न मनी टू मेक अ लिविंग, वो उसके स्टैंडर्ड्स ग्लोबल होने चाहिए, वरना हमने क्या करना है सिर्फ अपनी वरना कोठरे में रह के, वो ग्लोबल होने चाहिए। और लेकिन पाकिस्तानियत तो ग्लोबल नहीं हो सकती, इस्लाम तो ग्लोबल नहीं हो, इस्लाम की अप्रोच ग्लोबल हो सकती है, लेकिन हम ना हम ईसाइयों से कहते हैं कि आप ग्लोबल हो जाएं, ईसाई वो जो उनमें से ग्लोबल हो जाते हैं वो तो फिर ह्यूमनिस्ट हो जाते हैं। इसलिए हम इनको तीन हिस्सों में, जैसे डॉक्टर साहब ने इतनी मेहनत से ये काम किया है तो आइंदा 2006 से कर रहे हैं, उससे पहले मिनिस्ट्री में उससे पहले भी कर रहे हैं, मेरी बहुत 80 के बाद जब मेरे 90 के बाद पहली जब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हुआ कि उस वक्त भी इसी काम में थे, 1990 में भी, तो बीच में नहीं मैं पहचाना शुरू में, लेकिन ये तो 1990 में भी मैं जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी पढ़ाता था उस जमाने में भी ये यही काम कर रहे। तो इस तरह के लोग अगर हो, कुछ जो प्योरली ऑक्यूपेशनल एजुकेशन के लिए हो, कुछ पाकिस्तान स्टडीज़ की एजुकेशन के लिए हो, और कुछ इस्लाम की एजुकेशन के लिए हो, और जो ऊपर बॉडीज़ हैं जिसमें ज़ाहिर है कि स्टेट ने भी कहीं तो इन्वॉल्व होना है, यानी सरकारी मुलाजिम ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं तो इन्वॉल्व होना है, तो वो आप तीन रेगुलेटरी बॉडीज़ बना दें, उनको जो भी कहें नाम दें, यानी रेगुलेट से लगता है कोई बांध रहा है, बांधना नहीं है, वहाँ ये गुफ्तगू आपकी ना बामानी हो जाएगी, वरना हम इसमें ना मुसलसल इसमें घूम रहे हैं। ये पाकिस्तान जैसे इन मानों में बड़ा, वैसे तो आधा हो गए थे हम, लेकिन चूंकि मुल्क मोबिलाइज होना शुरू हो गया था तो इफेक्टिव पॉपुलेशन हमारी 1970 के बाद जब बढ़ी, टोटल पॉपुलेशन तो आधी हो गई थी, लेकिन इस आधी में भी चूंकि बिजलियाँ लग गईं, सड़क बन गई वगैरह वगैरह हो गया, तो लोग जब हरकत में आए तो इफेक्टिव आबादी जो बड़ी हो गई, उस वक्त सबसे पहले ये स्लोगन वजा हुआ यकसां निज़ाम तालीम, ये 1970 के बाद की पैदाइश है, मेरे ख्याल 1974 वगैरह की, ये लफ्ज़ यकसां, इससे पहले तो ये इशू नहीं था। और यकसां का इनिशियली चूंकि सारी एजुकेशन पे नेशनलाइज हो गई 100%, तो ये तो फिर जो गली का स्कूल था वो भी सरकारी हो गया था, यानी जो एक कमरे का स्कूल था वो भी सरकारी हो गया था, इजाज़त नहीं थी कोई स्कूल करने की, ये कोई 1972 से लेके और फिर ये लेट इनटू 80s तक बहुत सही सिलसिला था। यूनिवर्सिटियों को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ये इजाज़त फिर 2000 में जाके मिली इफेक्टिवली। तो हम इसको उस वक्त ही ये फिर पाकिस्तान स्टडीज़ भी, पाकिस्तान स्टडीज़ मुतहदा पाकिस्तान में कोई मज़मून नहीं था, जब पाकिस्तान टूट गया तो हमें इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि हम पाकिस्तान पढ़ाएं, मुतहदा पाकिस्तान में कोई सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं था, तो इसलिए फिर पाकिस्तान स्टडीज़ भी, जैसे मैंने नहीं पढ़ा हुआ कभी पाकिस्तान स्टडीज़ ये सब्जेक्ट एज सच। तो लेकिन अब सिर्फ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी
मैं उनके वाइस चांसलर से, मैं उनके वो उस पर होता हूँ, ये वो प्रोफेसर सिलेक्ट करते हैं उनकी सिलेक्शन कमेटियों पे और इस पे उस पे। तो वो पाकिस्तान स्टडीज़ के उस वक्त मैंने उन सबसे पूछा कि आप इसको पढ़ाने के लिए क्या है, आप कितनों को पढ़ाते हैं? तो सिर्फ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शायद ये कोई हाफ अ मिलियन टू मिलियन लोगों को सिर्फ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाती है। हमारे जो अब 16 साल की तालीम भी पाते हैं, ये उस आखिरी चार साल में भी 45 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ होता है, एक इस्लामिक स्टडीज़ होता है। चूँकि ये सबके लिए होता है तो मुल्क में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सिंगल लार्जेस्ट सब्जेक्ट टॉट इन पाकिस्तान इज पाकिस्तान स्टडीज एंड इस्लामिक। द सिंगल लार्जेस्ट नंबर ऑफ टीचर्स बियॉन्ड द स्कूल वुड ऑल्सो बी पाकिस्तान स्टडीज एंड इस्लामिक स्टडीज टीचर्स। इसलिए अगर इसको आप एक अलहदा चीज़ बना दें तो आपका ये मखमसा भी दूर हो जाए कि हमने किस में ग्लोबलाइज होना है, किस में ग्लोबलाइज नहीं होना। बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है इस वक्त पाकिस्तान स्टडीज यूनिवर्सिटी लेवल पे डाउट्स अबाउट पाकिस्तान का नंबर वन सोर्स है। ये तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं जो शौक से पढ़ाता हूँ ये पिछले 10 साल में, तो इसलिए मैं यूनिवर्सिटियाँ घूमता रहता हूँ, मुल्क घूमता रहता हूँ। द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स टू क्रिएट सस्पिशन एंड डाउट अबाउट पाकिस्तान are the departments and the courses of Pakistan studies taught across Pakistan's universities, including International Islamic University. The single largest source to create doubts about Pakistan, because the entire curriculum and the entire medium of instruction is English, as a result of which we learn Pakistan from Americans and Britishers who have written Pakistan studies for their audiences. They have no business to write it, nor should we require that they should write it for Pakistani audience to make Pakistanis. The, in practice, what we teach is a very poor level of English books at the university level taught by the United States and Britain, maybe a little bit, sometimes Australia and Canada, all the English speaking countries, who for their own world purposes have to train their people. That is what we teach. And this is a first hand account. This is what I get forced to teach. मैं तो उन्हें वैसे ये मजाक से कैसे इस पर कंक्लूड करता हूँ कि आपकी वो जो तीसरी तीन तजावीज हैं ना, मैं वो कहता हूँ कि ये ना, ये हम थोड़े बहुत अपने आप को भी नहीं इस्लामी सरदार जी भी कह ही सकते हैं ना, जगह पंजाबी बोलते हैं तो, कि हम अगर फ्रांस में जाएंगे ना तो कहेंगे कि हमने फ्रेंच स्टडीज पंजाबी में करनी है, तो पंजाब में आएंगे तो कहेंगे कि हमने पंजाब स्टडीज़ फ्रेंच में करनी है। पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लाम अंग्रेज़ी में पढ़ाने की यही सरदार जी वाली मंतक है, इस्लामी सरदार जी, मैं उसे कह दूँ तो ज़्यादा आसानी के साथ। Why would you ever teach? An American who wants to study Pakistan will spend at least 10 years to learn Urdu to study Pakistan studies. And in Pakistan, Pakistanis who already have that capability to study Pakistan studies, ye bilkul aise hi hai ki Sardar ji jo hai na wo French studies ko Punjabi mein padhna chahe aur Punjabi studies ko French mein padhna chahe. Ye isse zyada main is pe isliye jo inki ye teen tajaveez thi na ki aap yaksa taleem to jab bhi karte rahe hain us pe main itne arse se 40 saal मैं उसकी सियासत देखते मुझे हो गया, इसलिए मैं ना उस पर ना किसी को इल्ज़ाम भी नहीं देना चाहता इसको उसको, मैं 40 साल सबको इस हरकत में देखा है। कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पहला तो ये करें कि कम से कम इन दो मजामीन के लिए, बाकी भी दलाइल और तरह के हैं, मैं उसमें भी बहुत सहामी हूँ,
इंग्लिश कम इस्तेमाल करने के या ना करने के पास सूरतों में, लेकिन इन दो सब्जेक्ट्स में तो वो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हों वो इन दो सब्जेक्ट को आप या उर्दू में पढ़ाएं, या अगर आपने फॉर्मली अपने लेजिस्लेशन में लोकल ज़बान को शामिल किया हुआ है, जैसे अंदरून सिंध ने सिंधी को किया हुआ है वोट दे के, बाकियों ने रिजेक्ट किया हुआ है वोट दे के 1973 में, तो या आप उर्दू में पढ़ाएं या आप अपनी जो फॉर्मल ज़बान मकामी प्रोविंशियल है उसमें पढ़ाएं, और इस्लामिक स्टडीज़ आप या उर्दू में अपनी मकामी ज़बान में या अरबी में पढ़ाएं। ये कोई तुक नहीं बनती कि आप ना इन दो मज़ामीन को इन ज़बानों के अलावा किसी ज़बान में पढ़ाएं। ये तो ना, जो दूसरा मामला ये कह रहे थे वो ये कि अगर हम यकसा फैसिलिटीज़ और यकसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते तो फिर हम टैक्स में ये टैक्स यूनियन काउंसिल को दे, ये टैक्स ना मरकज या सूबा जमा करे ना खर्च करे, ये यूनियन काउंसिल ही जमा करे और यूनियन काउंसिल ही खर्च करे, वरना 10 बहाने हैं। मैं 50 साल से तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ 71 से लेके अब तक, तो इसलिए मैं वाकई से बहुत, मेरा 50 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी टीचिंग का, कि हम ना, और इकोनॉमिक्स पढ़ाता रहा हूँ, पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बहुत बहाने से जाहिर नहीं होता ये, लेकिन हम गरीब से लेके अमीर के बच्चे को देते हैं, बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। जाहिर में इसके बरक्स हम तकरीरें करते हैं, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि हम तालीम के नाम पे भी जो टैक्स लेते हैं ये गरीब से लेके अमीर को ट्रांसफर करते हैं। ये ना हम लें, यूनियन काउंसिल ले, यूनियन काउंसिल खर्च करें। आपके ना वो जो तीन तजावीज़ आपने दी थी ना, उसका भी मैं हामी हूँ, यानी आप इन दो मजामीन के लिए तो बहुत इमीडिएटली बगैर किसी ले दे के ना उसे ज़बान वाली यकसानी कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद था कि टीचर्स की तनख्वाहें मेनली, और बिल्डिंग्स और टीचर्स की तनख्वाहें, और लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, ये जो ख़र्चा है ना, ये हमारी यूनियन काउंसिल भी काफ़ी बड़ी होती है, नहीं हमारी यूनियन काउंसिल भी औसतन कोई 7,000 लोग होते हैं उसमें, मुल्क में कोई 5,000 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो यूनियन काउंसिल भी हमारी काफ़ी बड़ी चीज़ है। और हमने 2002 में का वो जो डेवोल्यूशन थी उसकी बात, चीज़ें बहुत ख़राब थी, यानी एक तरह से दस्तूर को तोड़ने का बहाना था, लेकिन बात चीज़ें अच्छी थीं। तो प्रोफेसर की हैसियत से हमें ये तो नहीं कि आधी चीज़ इसकी तारीफ, जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ कर देते हैं, जो बुरी है उसकी बुरा बता देते हैं, कि उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नीचे डिवॉल्व की गई थी। तो डॉक्टर साहब की वो पहली तीन चीज़ें, और मेरी अपनी तरफ से उसमें इजाफा ये है कि तीन और कि तीन रेगुलेटरी बॉडीज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर साहब, आप राशिद साहब, और जो यहाँ पे आपने गेस्ट बुलाए हैं, जी सलीम साहब ख़ास तौर पे आप, और गिलानी साहब, और तमाम दीगर हजरात, आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा मैं मशकूर हूँ अपने पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन वजिया कमर साहिबा की, कि उन्होंने अपनी गुनागुन मसरूफियात से टाइम निकाला और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत से आपने, आपकी तमाम डिटेल गुफ्तगु हमने भी सुनी, शुक्र है कि वजिया भी आ गई थी। मैं सोच रही थी कि आपके जितनी रिजर्वेशंस हैं निसाब के हवाले से
उस पर मैंने क्या जवाब देना है। बट बात यह है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, जब इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी हमने, तो उसमें मेन जो एजेंडा था हमारा करप्शन के अलावा वो यही था कि एक कैरिकुलम होगा। तो एक तालीमी निज़ाम मैं समझती हूँ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी दो बहुत अहम वजूहात हैं। एक नंबर वन जो मैं समझती हूँ वो नेशन बिल्डिंग है। जब आपके अंदर बात यह है कि हमारी जो सोसाइटी है जी, आप तमाम लोग जानते हैं कि ये पोलराइजेशन है हमारी सोसाइटी में, एक पोलराइज्ड नेशन है हम। हमारे यहाँ सेक्टेरियनिज्म पे एथनिक पोलराइजेशन है, प्रोविंशियल पोलराइजेशन है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, रिलीजियस बेसिस पे पोलराइजेशन है। तो नेशन बिल्डिंग फिर पिछले 70 साल में, आज जो मैं समझती हूँ अगर हम बहुत इस में पीछे भी रह गए हैं, तो वो मेन रीज़न उसका ये है कि जब तक अगर हम एक एजुकेशन सिस्टम में हम रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, तो ये जो एक इतना बड़ा टास्क है वो हम अचीव नहीं कर सकेंगे। अब एक मदरसा सिस्टम है, आप सब बखूबी जानते हैं मदरसा सिस्टम के क्या, किस तरह के उनसे जो बच्चे आते हैं वो उनके लिए क्या मौके हैं सोसाइटी में सर्व करने के। फिर हमारा पब्लिक सिस्टम है, उसमें भी एक इंग्लिश मीडियम है, एक उर्दू मीडियम है। इंग्लिश मीडियम में मज़ीद फिर एक कैम्ब्रिज सिस्टम है जिसमें एलीट के बच्चे पढ़ते हैं। फिर मतलब के चार पैरेलल एजुकेशन सिस्टम्स हैं। ऑब्वियसली जब ये मतलब ये चार पैरेलल सिस्टम से जो आपकी यूथ जो बच्चा निकल रहा है, यकीनन वो बड़ा एक डिज़ास्टर है फॉर अ नेशन कि हम मुख्तलिफ सिमत में, मतलब ये नहीं है कि वो उनकी सिर्फ सोच, उनमें नेशनलिज्म है ही नहीं, वो किस तरह एक एजेंडे पे आ सकते हैं। और जो मेन जो सबसे बड़ा एक रीज़न है वो हमारा मीडियम है कि ये हमने आज दिन तक, मैं ये समझती हूँ आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, कि हमने आज दिन तक सिर्फ अपने बच्चों को अंग्रेज़ी ज़बान सिखाई, हमने उनको लैंग्वेज सिखाते रहे हैं, हमने उनको अंदर नॉलेज नहीं ट्रांसफ़र किया। अब एक बच्चा अगर 16 साल की अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जब यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, वो जब अंग्रेज़ी का वो अलूम पढ़ता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है या वो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं या साइंसी अलूम है, जब वो अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, वो किस तरह आप मतलब वो उसको समझने से कासिर, उसके अंदर वो समझ ही नहीं है। क्योंकि जब तक, जैसे गिलानी साहब ने कहा कि अगर वो पाकिस्तान स्टडीज़ अगर कोई अमेरिकन पढ़ाए समझेगा तो 10 साल लगाएगा। मैंने खुद जापानी, अमेरिकन, फ्रेंच, इटालियन प्रोफेसर्स देखे हैं जो हमसे भी खूबसूरत उर्दू पढ़ते हैं और समझते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 15-15 साल लगाए हैं पहले इस ज़बान को सीखने में, फिर उन्होंने उसके ऊपर लिखा है। तो अंग्रेज़ी ज़बान, मतलब मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेज़ी नहीं सीखनी चाहिए, आज दुनिया में अगर हमने आगे कम्पीट करना है अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, लेकिन जो ये हमारे यहाँ एक डबल स्टैंडर्ड है कि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है इन चारों जो हमारे तबकाती निज़ाम हैं, बच्चों के आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आप देखें जो मदरसे का बच्चा है उसका दायरा इतना तंग कर दिया गया है कि वो अपने अलावा दूसरे को तो मुसलमान ही नहीं समझता। फिर उसके अंदर मजीद कितने तबकात हैं, वो इस मस्जिद में नहीं जाना, उस मस्जिद में नहीं जाना, तो वो हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आज दिन तक चल रही है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। फिर अंग्रेजी वाले बच्चे वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हम आप देखें कि आज आप एक सर्वे करके देख लें, आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में जाएं, उन बच्चों से कहें कि अपना एक इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ में लिखें, वो नहीं लिख सके। जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आप उनके बच्चों को देख लें, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें हर सेंटेंस में गलती होगी, और कुछ नहीं तो उसमें ग्रामेटिक मिस्टेक्स होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी। तो ये एक बड़ा अलमिया है, हमें इस चीज़ को, मैं समझती हूँ हमें एक कैरिकुलम तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हमारे सामने, मैंने पढ़ा है फ्रांस की मिसाल है, वहाँ भी उनका भी बड़ा पोलराइज्ड एजुकेशन सिस्टम था। जब उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम लाए हैं तो उसके बाद बड़े ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं, और भी दुनिया में कई ममालिक हैं जिनकी हम मिसाल ले सकते हैं।
लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हमने एक अच्छी नेशन और 62% अगर हमारी यूथ है तो हमने उनको एक सिमत देनी है, और वो सिमत का वाहिद हल यही है जो पीटीआई ने लिया है कि सिंगल नेशनल कैरिकुलम। अब उसमें कंटेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ राय हो सकती है। सलीम साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि अगर वो कॉपी पेस्ट किया गया है तो उसमें क्यों नहीं कंसल्टेशन हुई रिसर्चर्स की, और ये बड़ा एक जैसा भी वो बता रहे हैं तो कोई इतना आसान काम नहीं है कि चंद मीटिंग्स में बैठ के तो हम उसका कंटेंट डिसाइड कर लें। यकीनन उसके ऊपर बहस हो सकती है, और मैं समझती हूँ कि इख्तिलाफ़ राय होना कोई गलत बात नहीं है। हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है कि हम इख्तिलाफ़ राय नहीं करते, हम सिर्फ मुखालफत करते, तो मुखालफत और इख्तिलाफ़ राय में बड़ा फ़र्क है। हम ज़रूर तनकीद होनी चाहिए क्योंकि उससे ही हम सच तक पहुँच सकते हैं। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, कोई भी अकल कुल नहीं है। आप एक आइडिया फ्लोट करते हैं, फिर उस पर बहस होती है, एंड देन यू रीच टू अ फाइनल पॉइंट। तो कंसल्टेशन होनी चाहिए, ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए, हम बैठने चाहिए, हम इस पर बहस करनी चाहिए, और जितने भी कंसर्न जो इसमें लोग हैं, वजिया मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा बेहतर इस पर कॉमेंट कर सकेंगी कंटेंट के हवाले से, क्योंकि इससे मैं ज़ाती तौर पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिल्डिंग है कि नहीं है, अंदर बच्चों के लिए किस तरह की सहूलियात हैं। जो उन बच्चों को इनकलकेट किया जाता है प्राइमरी लेवल तक, जब आप एक बच्चे का किरदार बना रहे हैं, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खातून आई उनके पास और 2 साल का बच्चा अपने साथ लाई, उन्होंने कहा कि इसकी तरबियत आप कर दें। तो उन्होंने पूछा कि बच्चे की उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि 2 साल। तो उन्होंने कहा आपने बहुत देर कर दी। अगर 2 साल के बच्चे की तरबियत नहीं हो सकती, ज़ाहिर है पहली तरबियत गाह माँ की होती है, तो हम प्राइमरी लेवल तक अगर एक बच्चे को एक मजबूत एक जहन बना देते हैं, उसके बाद फिर उस बच्चे का एक जहन बना हुआ है। आप उसको फ्रेंच पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, जो भी पढ़ाएं, उसका एक किरदार, एक कैरेक्टर एक बन चुका है। तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन पे हमें ज़ोर देना चाहिए। उसके अंदर हम उन बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, हमें यकीनन, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। मैंने खुद, मेरी बेटी हेड स्टार्ट स्कूल में जा रही थी, मैंने उसको स्कूल से निकाल दिया क्योंकि 6th class तक उसको कोई इस्लामियात नहीं पढ़ाई जा रही थी। अगर किसी एक स्कूल में एक बच्चे को रिलीजन पे कोई तालीम ही नहीं दी जाती, हमने रट्टे लगा के अपने स्कूलों में तमाम सूरतें याद की, हमें पढ़ाई जाती थी, हमसे टीचर्स पूछते थे, हमारा बाकायदा एक पीरियड होता था, उसका नाम ही कैरेक्टर बिल्डिंग था। उसमें हमें हमारे किरदार को के ऊपर बाकायदा हमें सिखाया जाता था, झूठ नहीं बोलना, बेसिक जो चीज़ें हैं उसी के ऊपर बच्चों से ये बात की जाती थी। तो आई थिंक अब ये तालीमी निज़ाम में ये चीज़ें लाना बड़ी ज़रूरी हैं और इस पे काम करना चाहिए। और एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने इस पे ये एक मीटिंग बुलाई जिस पे हम बहस कर सकते हैं। जो सिंगल नेशनल करिकुलम का जो इनिशिएटिव हमने लिया है, इस पे बात करने का मौका मिल सके और जो एक पॉइंट ऑफ व्यू सब तक मैं पहुंचा सकूं, तो मेरी कोशिश होती है कि हर तरीके से मैं वहां ज़रूर पहुंचूं, चाहे वो कोई छोटा इवेंट है कोई बड़ा है, ये आवाज़ पहुँचना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, बड़ी मिसपरसेप्शंस, बहुत सारी ऐसी गलत फहमियाँ, वो ऐसी जो हैं वो लोगों के अंदर हैं कि वो उसको हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखें, सबसे पहले तो ये कि ये स्टेप लिया क्यों गया और इस तरफ हम आए क्यों। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी पहली स्पीच में जब बात की एजुकेशन की, तो एक बड़ी क्लियर एक डायरेक्शन मिल गई और एक स्ट्रीम लाइन हो गई एक चीज़ के हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और उसमें एजुकेशन सबसे पहले है। गो के कुछ फाइनेंशियल हालात हमारे और वो इस तरह से ऐसे रहे कि जब वो हमारी एस्पिरेशंस मनी टर्म्स में सच उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हो पाई तो थोड़ा सा मुश्किल हालात हुए, लेकिन हम उन सबसे फाइट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये थोड़ी देर की बात है, ये तो बाद के इश्यूज़ हैं, ये होते रहेंगे। सिंगल नेशनल करिकुलम की ज़रूरत क्यों पेश आई, कि अभी नौरीन ने जो ये बात की कि 4 different streams
एजुकेशन में इस वक्त तक जो जा रही थी, जैसे एक मदरसा है, एक पब्लिक स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट में भी जो हैं वो एलीट स्कूल्स हैं, और फिर उसके बाद वो स्कूल्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक इंग्लिश मीडियम का बोर्ड लगा के एक पेरेंट्स को, जहाँ पे ऑफ कोर्स पब्लिक स्कूल्स फेल हो रही हैं वो क्वालिटी देने के अंदर, वहाँ पे उन्होंने उस गैप को फिल करने की कोशिश की। तो इन सारे इन सब के अंदर कहीं कोई कोहेजन नहीं थी, कहीं पे कोई ऐसे कि आप इन चार बच्चों को इकट्ठे कमरे में बिठा दें तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सब बच्चों के पास नहीं था, और जो एक नेशनल कोहेजन का बिल्डअप होना वो तो बात की बात है, उन बच्चों के अंदर ही जो है ना वो एक एहसास कमतरी, एक मदरसे का बच्चा है वो एक पब्लिक स्कूल के बच्चे के साथ बैठ के बात तक नहीं कर सकता अगर, और वो एक ही मुल्क के बच्चे हैं, एक ही जगह रहने वाले हैं, हम सबकी वो उतनी ही जिम्मेदारी है, और एक वहाँ से वो निकलता है तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो या तो कोई दीनी मदरसा ही ज्वाइन करे आगे नौकरी के लिए, या किसी मस्जिद में इमाम लग जाए, या कोई इसी तरह से अपनी रोजी रोटी का अपना कोई बंदोबस्त करे। और जब उसकी पब्लिक स्कूल्स की बात करें तो वो भी जब उन स्कूल से निकल के आगे जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है, अच्छी नौकरियों की बात आती है, तो वही एक जो 2 लाख बच्चों की जो आप बात कर रहे हैं कि जिन्होंने एक पूरी सोसाइटी को एक तरह से एक कैप्चर किया हुआ है कि उसके अलावा वो कोई अपॉर्चुनिटी किसी बच्चे के लिए और कहीं कोई मुयस्सर नहीं है। अपने कोई एक्सेप्शंस कहीं कहीं कोई निकलती हैं कि वो एक मिसाल बन जाती है कि जी मैंने एक आर्ट स्कूल में पढ़ा और उसके बाद देखिए आज मैं यहाँ हूँ, तो उस पूरे आर्ट स्कूल में सालों गुजर जाती हैं और उसके बाद कोई एक मिसाल ऐसी आती है। तो इस सब को देखते हुए इसको एड्रेस करने के लिए एक जब सिंगल नेशनल करिकुलम की हमने बात की तो उसके ऊपर शुरू में बहुत शोर मचा, एक्सेप्टेंस जो है वो उस 2% से भी कम जो एक तबका है वो उससे बहुत रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ा। उनका ये ख्याल था कि अगर पब्लिक स्कूल्स का स्टैंडर्ड इधर है और प्राइवेट का इधर है तो हम शायद प्राइवेट को हम यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जो स्टैंडर्ड है वो उससे अफेक्ट होगा, लेकिन ऐसे नहीं था। हमारी तो ख्वाहिश ये है और हम जो कोशिश कर रहे हैं और जो सारी ये जो काम हो रहा है वो इसलिए कि जो पब्लिक स्कूल्स के बच्चे हैं, जो मदारिस के बच्चे हैं, उनको भी हम अगर इधर हैं प्राइवेट स्कूल्स वाले तो यहाँ पे लेके आए हैं और एक तरह की यहाँ पे सहूलियात और सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को वो मिलें। अच्छा, अब जब ये शुरू हुआ सिलसिला तो उसमें सलीम साहब, डॉक्टर सलीम साहब ने अभी जो ये जिक्र किया कि जी ये 2006 के करिकुलम को उसी तरह से रेप्लिकेट करके तो वो पेश किया गया है। इसमें जो आपके जो चीज़ें थी जो मुझे लगा कि उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है उनको मैंने लिखा है ताकि मैं उनको वो गलत फहमी में दूर कर सकूं। देखें, जो करिकुलम है वो ऐसी बात नहीं है कि कोई री इन्वेंट किया गया है व्हील को, उसकी जो बेस है वो 2006 का करिकुलम ही है। हमने कोई आसमान से कोई नई चीज़ तो नहीं लेकर आए। अगर फ्रैक्शन बच्चे को पढ़ानी है, ठीक है, तो फ्रैक्शन तो 2006 में भी फ्रैक्शन थी, 2020 में भी फ्रैक्शन है, उसको आपने ये देखा है। हमने सिर्फ ये किया है कि एक सर्वे आया जिसमें ये कहा गया कि 40-50% हिस्सा जो है वो वही है जो कि 2006 में था, ठीक है। ये नहीं कहा गया कि 40-60% तक वो हिस्सा है जो कि उसमें नया डाला गया है, और जो नया डाला गया है वो क्या है, वो ये है कि अब ये वाला जो करिकुलम है ये SLO बेस्ड है। यहाँ पे रोट लर्निंग से ज्यादा एनालिटिकल स्किल्स बच्चे के डेवलप करने के ऊपर, बच्चे के अंदर सोचने समझने की सलाहियत पैदा करने के लिए, एक बच्चे के अंदर जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है उसको प्रमोट किया गया है। इस्लामियात की बहुत तनकीद हुई, हूद बॉय, प्रोफेसर हूद बॉय जिनका एक बड़ा मुकाम था, और मतलब मेरे जैसे लोग हमेशा देख के वो अंडर ऑ आ जाते थे कि जी ये इतना बड़ा प्रोफेसर और इसके सामने तो शायद बात भी नहीं की जा सकती, लेकिन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इस्लामियात के करिकुलम को, और उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने इस्लामियात के करिकुलम को पढ़ा ही नहीं था, कि उनकी जो भी डिबेट थी वो देख के नज़र आता था कि ये जो उनकी डिबेट है उसमें इस्लामियात के करिकुलम को तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये लोडेड है और पहले से बहुत ज़्यादा है और रोट लर्निंग के ऊपर जो है वो इसको बेस किया गया है, तो ये तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है उन चीज़ों से जो कि हमने इस दफ़ा शामिल की है। इस्लामियात का करिकुलम पहली दफ़ा ऐसा बनाया गया है कि उसके अंदर अगर एक हदीस याद करने के लिए बच्चे को दी गई है तो उसकी अरबी याद करके उसका उसको सुना के उसके नंबर नहीं मिलेंगे बच्चे को,
इस चीज के ऊपर वो उसको बेस किया गया है कि अगर सफाई निस्फ ईमान है, उसके ऊपर एक एक्टिविटी बेस की गई है। उस एक्टिविटी को बच्चा पूरे दिन में करेगा, वो घर लेकर जाएगा उस लर्निंग को, घर जाकर बताएगा कि हमने आज स्कूल में सफाई निस्फ ईमान है, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था। और उसके बाद उसके ऊपर बेस करके वो अपने स्कूल में कोई सफाई की एक्टिविटी है, अपने सोशल सर्कल के अंदर है, वो उसी को घर लेकर जाएगा, तो उससे उसके अंदर वो जो एक वैल्यू जो हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वो आएगी। वो ये नहीं होगा कि उसने याद कर ली, उसका उसको मतलब समझ नहीं आया, उसने उसकी अरबी याद कर ली, उसने इम्तिहान में सुनाई और उसको 10 नंबर उसके मिल गए, ठीक है। तो इसी तरह से इस्लामियत का जितना करिकुलम है वो इससे पहले कभी भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड नहीं था। फिर एक और चीज के पहले क्लास 1 से लेकर 3 तक जनरल नॉलेज की एक किताब थी जो कि उसमें इस्लामियत भी एक कंपोनेंट था। अब ये किया गया कि वो उस कंपोनेंट को उस किताब में से निकाल के एक छोटा सा कायदा अलहदा बना दिया गया, जिससे ये कॉन्सेप्ट गया कि जी इस्लामियत पहले नहीं था, वो क्लास 3 से शुरू होता था और अब वो क्लास 1 से शुरू कर रहे हैं। हालांकि वो वही है जो निकाल के, लेकिन ये कि उसके अंदर आपने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो डाल दी। तीसरी बात ये कि नाजरे के ऊपर बहुत तनकीद हुई कि जी नाजरे का पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो क्लास 5 तक के बच्चों के लिए उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए एक लोडेड है और वो उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है ये कि आपने बच्चे को ख़ास एज तक आपने नाजरा इतना मुकम्मल करवाना है, इसका इस्लामियात के करिकुलम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है कि हमने ये तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो हम बात करें आगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, ठीक है, उसके ऊपर बड़ी यहाँ पे बहस भी और बड़ी बात भी हो रही है। हमने इसके अंदर जितनी भी डेलिब्रेशन की, लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और जो भी दुनिया भर की एक रिसर्च है, उसके बाद जब ये चीज़ जो है वो हमें समझ आई कि एक जो मदर टंग है, जो बच्चे की मादरी जुबान है, उसमें जो चीज़ उसको समझ आ सकती है वो किसी भी और ज़ुबान में समझ नहीं आ सकती, तो एक मिलकर बहुत सारे एकेडमिशियंस एजुकेशनिस्ट हैं, हमने सबको ऑन बोर्ड लिया, जावेद जब्बार साहब उसमें शामिल हैं और बहुत से लोग हैं, और ये फैसला फिर उसके बाद किया गया कि क्लास 3 से लेकर 5 तक एक हाइब्रिड, एक जो है ना वो लैंग्वेज की टर्म्स में एक ऐसा सिस्टम लेके आया जाए जिसके अंदर बच्चे को कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए वो उसकी मादरी जुबान, वो चाहे सिंधी है, चाहे ब्राह्मी है, पंजाबी है, पश्तो है, जो भी उसको समझ आती है उसको उस जुबान में पढ़ाया जाए, और जो अंग्रेजी जुबान है उसको एज लैंग्वेज पढ़ाया जाए कि बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन और उस लैंग्वेज की एक ग्रिप जो है वो उन 5 सालों में इतनी हो जाए कि जब क्लास 6 से लेकर ऑनवर्ड्स हम किताब का टेक्स्ट अंग्रेजी में रखें तो उस बच्चे के अंदर वो स्किल्स डेवलप हो सके कि वो उसको समझ सके उस कंटेंट को, ठीक है। इससे पहले अंग्रेजी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था, उसको इस तरह से स्किल्स उसके अंदर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के डेवलप नहीं किए जा रहे थे। उसके बाद आ गया और कौन सी एक इश्यूज जिनका आपने जिक्र किया था, अंग्रेजी जो है वो इसमें शामिल होगी लेकिन एज लैंग्वेज, ठीक है, इस तरह से नहीं कि उसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा। फिर आगे आपने मॉडल टेक्स्ट बुक की बात की कि अभी तक डॉक्टर सलीम साहब ने कहा कि कोई ऐसा जो है ना वो सिस्टम नहीं कि कौन सी किताब जो है वो पढ़ाई जाएगी, या एक मॉडल टेक्स्ट बुक होगी या एक यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक होगी जो कि पूरे हर जगह अक्रॉस द बोर्ड एक ही किताब होगी। उसके ऊपर भी मुख्तलिफ आरा थी, उसके अंदर एक ये भी था कि एक ही किताब जो कि पूरे मुल्क में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं चाहे वो सरकारी स्कूल हैं मदारिस हैं, एक ही किताब, ख्वाब हमारा ऐसा ही था, यही था, लेकिन उसके अंदर मुश्किलात थी बहुत ज़्यादा। इसलिए फिर ये फैसला हुआ कि एक मॉडल टेक्स्ट बुक बनाई जाएगी जो कि फेडरल में तो वो लाजमी होगा कि वो किताब वही पढ़ाई जाए और वही हो, लेकिन बाकी सूबों के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि चाहे तो वो उस किताब को अडॉप्ट कर लें, वरना वो ब्रॉडर जो आपके जो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं और जो असेसमेंट, क्योंकि वो उसी पे बेस्ड होगी तो वो उसके ऊपर अपनी किताब, उन SLOs पे बेस्ड और करिकुलम के ऊपर बेस्ड वो अपनी किताब बना लें और वही फिर बाकी जगहों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। इसी तरह इसके ऊपर शोर ज़्यादा जो मच रहा है वो क्यों मच रहा है, वो इसलिए कि आज से पहले जब भी
नेशनल करिकुलम की बात हुई तो वो नेशनल करिकुलम की बात हुई जिसके अंदर सिर्फ पब्लिक स्कूल्स शामिल थे कि ये सिर्फ जो है करिकुलम पब्लिक स्कूल्स के लिए, उसके अंदर एक प्राइवेट स्कूल्स और मदारिस और ओवरऑल जितने भी स्कूल्स हैं उनकी बात तमाम तबकात की वो नहीं हुई। तो उसके अंदर वो एक एक्सेप्टेंस आना और उनको कन्विंस करना वो एक मुश्किल काम था, और ख़ास तौर पे 18th अमेंडमेंट के बाद जबकि एजुकेशन एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसमें सूबों के साथ एक कंकरेंस उनकी लेना और उनको ऑन बोर्ड रखना और वो भी एक मुश्किल काम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सारे मराहल बहुत मुश्किल थे और शुरू में ऐसे लग रहा था कि शायद ये ना हो पाए, लेकिन उसके अंदर एक IPMC इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो कि एक हमारी एक फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फोरम है, उसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया और उसमें शफकत साहब ने जिस तरह से उसको तमाम सूबों के अंदर सूबाई सेक्रेटरीज वज़रा फेडरेटिंग यूनिट्स के कश्मीर GB से उनको जिस तरह से ऑन बोर्ड लिया और जैसे उनको इस पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल रखा तो उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप हुआ और उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सिचुएशन इस जगह पर हैं कि तमाम सूबों से एक सिर्फ सिंध की तरफ से नहीं लेकिन उसके साथ भी निगोसिएशंस और एडवोकेसी हम कर रहे हैं, शफकत साहब मिले भी हैं जाके उनसे, तो वो इस पे हम आ चुके हैं कि कॉन्फिडेंस हमें तमाम सूबों से और फेडरेटिंग यूनिट से मिल चुकी है। अब इसके अंदर एक लेजिस्लेशन का एक प्रोसेस जो है वो होगा कि 18th अमेंडमेंट के बाद कैसे सूबे उसको अपने स्कूल्स में और हर जगह उसको नाफिस करेंगे, तो उसके लिए भी अभी काम हो रहा है और इंशाल्लाह वो भी विद इन एक इसी साल के अंदर अंदर वो भी हो जाएगा, एक रेजोल्यूशन सूबों से लेकर आएंगे। तो ये सारा एक मरहलावार एक बड़ा मुश्किल एक सारा काम था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके अंदर बहुत सारे आए भी इश्यूज, और जैसे आपने कहा कि जी इसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया तमाम तबकात से लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तो उसके लिए देखें कि NCC जो है नेशनल करिकुलम काउंसिल ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इसके अंदर तमाम शोबों से नुमाइंदगी है। इसके अंदर आप ये जो आपका करिकुलम है ये पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि ये आपकी वेबसाइट के ऊपर एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर ये अपलोड हुआ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपकी कहीं पे भी कोई ऐसी सजेशन हो जिसको हम उसमें शामिल कर सकें तो आप सब यू आर मोर देन वेलकम कि आप अपनी सजेशंस दें ताकि हम उसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। देखेंगे कोई एक एक वो तो नहीं कि एक स्टैग्नेंट हो गया एक प्रोसेस या रुक गया है कहीं आके, इसके अंदर हर वक्त इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जैसे पहले हमने एक सिंगल टेक्स्ट बुक का की एक बात की लेकिन फिर हमें मॉडल टेक्स्ट बुक पे आना पड़ा, फिर उसके बाद एक हमें जो लैंग्वेज की जब बात हुई तो पहले कम्प्लीटली उसको उर्दू पे शिफ्ट किया जा रहा था लेकिन जब बात हुई हमने सूबों से उसके साथ मशावरत की लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के साथ तो मदर टंग, फिर उसके बाद ये जो हाइब्रिड एक मोड लैंग्वेज का वो, फिर इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज, और फिर उसके बाद आगे 6th क्लास से ऑनवर्ड्स एक लेडर कॉन्सेप्ट है जो लैंग्वेज का कि पहले इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज, फिर उसके बाद आगे 6th क्लास में उनको सब्जेक्ट्स को इस्लामियात और पाक स्टडीज के अलावा बाकी सबको साइंस मैथ्स वगैरह को अंग्रेजी में किताब भी पूरी को शिफ्ट करने का। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मशावरत के साथ साथ मुमकिन हुई, तमाम सूबों से उनके वज़रा उनके सेक्रेटरीज ने अपनी टीम्स को भेजा और उन्होंने बैठ के फेडरल से इसके ऊपर काम किया और ये कोई एक दो दिन का प्रोसेस नहीं था। इसमें जो है हमारी टीम्स यहाँ से नेशनल करिकुलम काउंसिल वो हर सूबे में गए हैं, वहाँ से उनसे मशावरत ली है, फिर उसके बाद किताब लिखने के लिए बकायदा एडवर्टिजमेंट आई है अखबार में, शॉर्ट लिस्टिंग हुई है ऑथर्स की, फिर उसके बाद वो बैठे हैं उनके इंटरव्यूज हुए हैं और देखा है उनको और फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया है। तो कहीं पे भी इस प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसे नहीं हुआ कि ये एक कहा जाए कि जी ये इसके अंदर कोई कंसल्टेशन का अमल शामिल ही था। कंसल्टेशन अगर ना होती तो आप ये सोच सकते हैं कि 18th अमेंडमेंट जैसी एक इतनी एक बड़ी हमारे ऊपर जो एक 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 मुश्किल थी उसके बाद हम इसको चारों सूबों के अंदर इम्प्लीमेंट करवा सकते और एक कंकरेंस उनकी ले सकते कि जी हाँ हम तैयार हैं, आपने जो ये काम किया है ये एक बहुत अच्छा काम किया है और हम इसको अपने सूबे में हम अपने तालीमी निज़ाम में इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हैं। ये बगैर किसी मशावरत के और बगैर हर एक के ऑन बोर्ड होने के तमाम स्टेक होल्डर्स के ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। फिर उसके बाद आज आपने और बात की कि हर सूबा जो है वो उसके अपने हीरोज़ थे,
जिससे एक नेशनल कोहेजन नहीं बिल्डअप हो रही थी। तो एक पंजाबी बच्चा भी अगर खुशहाल खान खटक को पढ़ रहा होगा और एक पश्तून बच्चा भी, एक यहाँ पे भी जो हमारे हीरोज हैं वो वहाँ पे उनको मुतलिक वो भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो उतने ही हमारे हीरोज हैं जितने उनके हैं। तो उससे जो एक बिल्डअप हो रही है एक 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 कोहेजन नेशनली, वो मैं समझती हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको एक इससे एक बड़ी ओनरशिप मिली है उनको भी, कि जब उनको ये पता चला है कि पंजाबी जो बच्चा है वो भी अगर पश्तून और बलोच हीरोज के मुतालिक वो पढ़ रहा है, तो उन्होंने भी उतनी ही खुश दिली से पंजाबी हीरोज को अपने उसमें शामिल करके एक एक नेशनल एक जो है ना करिकुलम वो एक डेवलप किया है। तो ये एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है। इसके अंदर जो एक आपने बात वैल्यूज की वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जिसको अभी हम लेकर आ रहे हैं, कि उसके अंदर जो सिर्फ एक सेंस है ट्रैफिक के रूल्स की सेंस है, एक टॉलरेंस है, ख्वातीन की इज्जत है, इस तरह के छोटे छोटे के जो आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, उनको हमने अपने इस सारे करिकुलम के अंदर, वो अंग्रेजी है, उर्दू है, इस्लामियात है, सोशल स्टडीज़ है, एनवायरनमेंट से मुतल्लिक है, इवन ब्लू इकोनॉमी से मुतल्लिक है, वो सारा कुछ हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। पहले जो बच्चे हैं इस्लामियात पढ़ते थे मुसलमान, और जो दूसरे हमारे मजहब के बच्चे हैं उनके लिए एक किताब होती थी एथिक्स। तो उससे एक ये कॉन्सेप्ट जाता था कि जी शायद मुसलमान बच्चों को एथिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब ये देखें कि जितने हमारे जो ईसाई बच्चे हैं वो अपने मजहब से मुतालिक जो उनकी किताब है वो पढ़ेंगे इस्लामियात के पीरियड में। जो हिंदू बच्चे हैं अगर वहाँ पे जितने उनकी जो तादाद है उसके मुताबिक वो अपनी जो उनकी मजहब से मुतालिक किताब है वो उसको पढ़ेंगे। तो इससे जो एक टॉलरेंस का जो एक मैसेज जो एक जाता है वो देखें कि वो कितना बड़ा है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट नहीं की जा रही कि क्या क्या इसमें हो रहा है। फिर उसके बाद और नौरीन ने कुछ बड़ी इसमें जो बातें की कि हाँ देखें, एक चीज़ जो इन्होंने बात की उसकी असेसमेंट सिस्टम की, और साथ ये कि ये एक जो करिकुलम है सिंगल नेशनल करिकुलम का मतलब ये नहीं है कि वो एक हम निज़ाम सिंगल आप एक यूनिफॉर्म निज़ाम जो है वो दे रहे होंगे। देखिए ये उसकी तरफ एक पहला कदम होगा सिर्फ, और ये कोई इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स जो है ना कोई मैजिक नहीं है कि आज नाफिज हुआ और कल आ गए, और ये कोई आइसोलेशन में नहीं हम कर सकते जब तक इसके साथ हम असेसमेंट को, जब तक हम टीचर्स ट्रेनिंग को इसके साथ नहीं डालेंगे तब तक ये मुमकिन नहीं है कि ये एक जामिया एक ये हमारा एक मंसूबा ये बन सके। तो इसके लिए हमारी जो डिलीवरेबल्स हमारे आगा खान एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं इंस्टीट्यूट है उनके साथ कि उन्होंने हमें ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स उन्होंने हमें बना के देने हैं, असेसमेंट सिस्टम में उन्होंने हमारी हेल्प करनी है। तो उसके साथ साथ मिलकर ये सारा कुछ जो है ना ये इफेक्टिव होगा। और अभी तो ये 2021 में मार्च अप्रैल 2021 में जो अभी तक जो क्लास प्री 1 to 5 जो अभी तक हमारा करिकुलम बन चुका है और उसके ऊपर किताबें अभी बन रही हैं, ये 2021 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अभी साथ ही काम शुरू हो गया है 6 to 8 और उसकी जो किताब है जो वो बनना शुरू होगी, और फिर उसके बाद 2022 में वो इम्प्लीमेंट हो